हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन के लेक्चर 3 में पहुंच गए, लेक्चर 2 कंप्लीट करने के बाद। तो आज भी हम लोग बहुत बढ़िया चीज़ें और बहुत मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें सीखने वाले हैं इस हाइड्रोकार्बन की सीरीज में, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, JDG सेक्शन की बात करते हैं, और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आज का जो सेशन होने जा रहा है दैट इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पर बेस्ड सेशन है आपका ये, है ना? सो इन दिस सेशन विल डिस्कस नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल एंड देन कॉम्बिनेशन एंड डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल। आफ्टर डिस्कसिंग कॉम्बिनेशन एंड डिसप्रोपोर्शनेशन प्रॉपर्टीज और टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल, विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड देन अल्केन कपलिंग रिएक्शन, अल्केन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन एंड देन ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन, देन कोरेहाउस वर्सेस वुड्स, यानी कि हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कोरेहाउस और वुड्स में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम वुड्स में क्या कर सकते हैं और हम कोरेहाउस में क्या कर सकते हैं, राइट? एंड देन क्वेश्चंस ऑन वुड्स रिएक्शन एंड देन विल डिस्कस फ्रैंकलिन रिएक्शन, विलमैन्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शंस एंड देन क्वेश्चंस ऑन फ्री रेडिकल एंड देन अल्केन फ्रॉम कोरेहाउस सिंथेसिस। बात समझ रहे हो बेटे? तो ये आपका जेडी सेक्शन, तो आप समझ लो कि कितनी मस्त और जबरदस्त चीज होने वाली है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बोल देता हूँ बेटा, यहीं पर ये जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन है चैप्टर वाइज अगर हम देखें, और जैसे मैंने बोला कि आपको अमाइंस मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं 19 सेशन में, तो ज्यादा कुछ है नहीं। हेलो अल्केन, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड कीटोन, राइट? और एक्चुअली में ये भी कवर्ड है डिटेल्ड मैकेनिज्म में, बट ये चैप्टर वाइज है तो मैं आपको कराऊंगा ये सारी चीजें। तो ये जो भी आज का सेशन है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन जो है, ये पूरा का पूरा ये सारी की सारी रिएक्शंस हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में भी यूज होने वाले हैं। तो आपको बता देता हूं कि जब हम हेलो अल्केन्स या हेलो एरिन्स की बात करेंगे तो बेटा फिर हम वहां पर ये चीज मैं जस्ट बता के ये निकलूंगा कि ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन में, और ये हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन में भी कवर कर लिया है ऑलरेडी, ये सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल और डेप्थ में, और यहां पर भी हाइड्रोकार्बन में भी यहां बताने जा रहा हूं, एडिशन में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो क्या है कि सारी चीजों को एक दूसरे से लिंक करके रखो बेटा, और चूंकि आपने पहले के सेशन बहुत अच्छे से कर रखे होंगे तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो और बहुत कुछ सीखोगे और बहुत बढ़िया से चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। सो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल की हम बात करें उसके बाद थोड़ा सा हमें 2 मिनट बात करनी होगी बेटे, किसके बारे में? फ्री रेडिकल के बारे में। अब जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, 2 मिनट हमें किसके बारे में बात करनी होगी? सबसे पहले फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल बेसिकली क्या है? फ्री रेडिकल जो होता है बेटा, ये एक आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और कोई सा भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो अनस्टेबल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। दूसरा, जो फ्री रेडिकल है ये बनता कैसे है? अगर हम इसकी बात करें तो सपोज हमको एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि बेटा यहाँ पर सपोज सी है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, ये सपोज जेड है, और यहाँ पर सपोज कुछ डब्ल्यू है, राइट? तो ये जो बनेगा ये होमोलाइसिस से बनता है। कैसे बनता है बेटे? होमोलाइसिस, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस। जैसे सपोज कोई एक एटम यहाँ पर हमने लिया तो कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ, लाइक दिस, लाइक दिस होमोलाइसिस हुआ। अच्छा, अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी दो दो चार इलेक्ट्रॉन हो गए, दो छः इलेक्ट्रॉन हो गए और दो आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? जब ऐसे ब्रेक होगा तो क्या होगा बेटा आपका, जो सी है एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पर आप देखो जब ऐसे ये ब्रेक होगा तो इसको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा एंड दैट विल बी योर फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन फ्री रेडिकल। और प्लस आपका ये दूसरा पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा। अभी भी इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड, राइट? ओके, नाउ अब sp2 है तो ट्रायगोनल प्लानर होगा, चलिए बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करो तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ पर हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2, 4, 6 एंड 1, 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। क्या हो गया? दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट।
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया सो दिस कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, बट दिस इज नॉट अ लुईस एसिड, ध्यान रखना दिस इज नॉट अ लुईस एसिड, क्योंकि लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इसको तो भैया एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज नॉट लुईस एसिड, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, सो दिस कैन बी इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, बट दिस विल नॉट बी लुईस एसिड बिकॉज लुईस एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो बेटा यस और नो, यस ओके, तो ये बात है। अब चूंकि ये आपका एक क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेटे, क्या ये, दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, आरआई बोलते हैं इसको, चूंकि आरआई बोलते हैं तो बेटा जितने भी आरआई होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो अब बताओ इसका ऑक्टेट क्या है बेटा, अनस्टेबल है बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो अब ये अपनी आप स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये कई सारे काम करेगा, है ना, सो दैट किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो उसके यहाँ पर इसका जो नेचुरल टेंडेंसी होता है, तो इसका जो स्टेबिलिटी को बढ़ाने का नेचुरल टेंडेंसी होता है बेटा, वो दो तरह की टेंडेंसी रखता है, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है, और दूसरा डीपीआर की टेंडेंसी रखता है, डिसप्रोपोर्शनेशन की टेंडेंसी रखता है, सारी बात करेंगे। ये दोनों के दोनों कौन सी टेंडेंसी है आपकी, नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी, ये भी और ये भी, क्लियर बेटे बात। तो ये कुछ हमने फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, राइट, बहुत डिटेल में एडिशन रिएक्शन में हमने इसकी बात कर रखी है, ओके, चलिए ये बात हमें समझ में आ जाती है। तो अब क्या है कि फ्री रेडिकल क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो नेचुरली ये क्या करेगा, तो इसका जो नेचुरल टेंडेंसी है कि आपस में कंबाइन हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या फिर डीपीआर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, क्या है कॉम्बिनेशन, क्या है डीपीआर, सारी बातें करेंगे। और ये सब करने के बाद फिर आप बेटा बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, किसकी, बोलो ना बेटे, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऑल फ्रैंकलिन एटसेट्रा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखना किसकी, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा, किसकी क्या होगी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल। तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें बेटा, तो यार देखो यहाँ पर ध्यान से गौर फरमाइएगा आप, है ना, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, उसके लिए ये कुछ करना चाहेगा, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेगा बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, तो ये नेचुरली क्या कर सकता है, जनरली ये नेचुरली दो काम करता है, कॉम्बिनेशन का काम करेगा या फिर डीपीआर का काम करेगा, कब कॉम्बिनेशन करेगा, कब डीपीआर करेगा, या दोनों करेगा, वो सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। चलिए, तो जो नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इनका एम क्या होता है, भैया अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले सो दैट कि ये स्टेबल हो जाए। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्री रेडिकल्स बाय विच दे स्टेबलाइज इटसेल्फ, पहला कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, अब देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, एक 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, ये फ्री रेडिकल देखो जो जनरेट हुआ यहाँ पर, और ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ यहाँ पर, तो अब होता क्या कि जब आप रिएक्शन कराते हो बेटा, तो आप मॉलिक्यूल वाइज नहीं कराते हो, ध्यान रखना आप मॉलिक्यूल वाइज नहीं कराते हो कि एक मॉलिक्यूल ले लिया और उसका रिएक्शन करा, आप मोल वाइज कराते हो, और जब आप मोल वाइज रिएक्शन कराते हो तो उसमें 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, तो एक दो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, तो जैसे ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ वैसे और जनरेट हुआ होगा, कई सारे जनरेट हुए होंगे, तो ये आपस में नेचुरली क्या होगा, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपस में कंबाइन होना चाहेंगे, तो देखो फटाक से ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, देखिए बॉन्ड बना लिया, अब देखो 2, 4, 6, 2, 8 यहाँ पर हो गए, 2, 4, 6, 2, 8 तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड दिस बिकम्स अनस्टेबल। तो देखो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था बेटा, और देखो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा ये कुछ होगा कि नहीं होगा, sp2 है मतलब आपको पता है कि sx हुआ होगा, px py हुआ होगा, अगर px py s और मिक्स हुआ होगा तो यहां से sp2 बना होगा, तो कोई इसका एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया होगा, तो अगर px py मिक्स हुआ है तो pz रह गया होगा, अगर px pz मिक्स होता तो py रह जाता, तो कोई एक ऑर्बिटल इसका रह जाएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, देखो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, कुछ इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो लेट सपोज दिस इज pz एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पर ये जो आपने बनाया तो ये तो आपका sp2 हो गया, और एक ऑर्बिटल आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ये रह गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेट सपोज दिस इज pz, है ना, इसको हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया है, तो मेरा बताओ ये एक ये वाला और एक ये वाला, अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से,
कौन बन जाएगा, राइट? ये आपके सामने है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। सो जस्ट इसने अपने ऑप्टेट को बेटा क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है कि यहां तक बात आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो बेटा क्लियर है ना बात एकदम अच्छे से। जब कभी व्हेन एवर देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हेन एवर देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन, ध्यान रखना, व्हेन एवर देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, व्हेन एवर देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज्ड, ऑलवेज। क्योंकि बॉन्ड बनने का मतलब स्टेबिलिटी। बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि अपनी सबको स्टेबल कर पाया, और जब कभी स्टेबिलिटी होगी तो बेटा एनर्जी उसकी हमेशा डिक्रीज होगी, है ना। सो व्हेन एवर देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज, और डिक्रीज कब होगी? जब एनर्जी रिलीज होगी। सो ऑलवेज रिलीज ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी। और अगर एनर्जी रिलीज हुआ उस प्रोसेस में, सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एक्सोथर्मिक, जिसका डेल एच हीट ऑफ रिएक्शन निगेटिव होगा, डेल एच विल बी निगेटिव। तो यहाँ पर क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, दिस रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट। और ये देखो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, ये एकदम सामने से, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब हेड ऑन कोलिजन होता है। तो यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ये एक दूसरे से हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और बेटा कोलाइड करके ओवरलैप कर रहा है और बॉन्ड बन रहा है। तो उसमें क्या होगा बेटा, जो बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज हुई, बिकॉज व्हेन एवर देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज ऑलवेज रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। और चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी बन जा रही है, तो कभी फास्ट प्रोसेस हो भाई, अनस्टेबल है, फटाक से कंप्लीट होना चाहेंगे। चलिए पानी पी लेते पहले। लीजिए पानी पीजिए, गट 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 गट। राइट बेटे, तो कुछ इस तरह से ही हो, तो दैट विल बी वेरी फास्ट रिएक्शन। और पता बेटा ये नेचुरली हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस है, खटाक से। इसके लिए हमें बाहर से कोई एनर्जी एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। ये रहा पहला फ्री रेडिकल, ये रहा पहला फ्री रेडिकल, ये रहा दूसरा फ्री रेडिकल, ये खटाक से अपने आप जुड़ जाएंगे, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। मतलब इनके लिए लीस्ट एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब इनको एक्टिवेट करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है एनर्जी की। तो इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो पहले तो अभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटे, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। देखो ये आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। बट हियर ये जनरल ग्राफ हो गया, ये जनरल ग्राफ हो गया किसका, एक्जो का। बट हियर इन दिस केस एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी होता है दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बट इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो जीरो होता है। मतलब कितनी अच्छी चीज़ है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए बेटा किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, एक्टिवेशन एनर्जी इसका जीरो होता है। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर ये कम हुआ तो ग्राफ यहाँ से जाएगा, और कम हुआ तो ग्राफ यहाँ से जाएगा, और कम हुआ तो ग्राफ यहाँ से जाएगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई तो ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा क्या? तो इसलिए इसका जो ग्राफ होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो कुछ बेटा इस तरह का हो जाता है, बिकॉज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो, सो इट्स द ग्राफ फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट DPR की जब हम बात करेंगे तो DPR इतना फास्ट नहीं होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, उसमें एनर्जी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होती है। अब चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी ही जीरो हो गई, तो बेटा बताओ एक रास्ता आप ये वाला फॉलो कर रहे थे, अब ये करना है, तो बताओ बेटा ये एक्शन फास्ट हो गया कि नहीं हो गया? सो दिस बिकम्स वेरी फास्ट रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन की बात हुई, तो हमने जब कॉम्बिनेशन बनाया तो कॉम्बिनेशन का ग्राफ कुछ ये बना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, आप बढ़िया से देखते चले जाएं, क्वेश्चन किसी भी तरह के बनेंगे, और उसके बाद फिर चीज़ों में टाइम नहीं लगेगा, बस ये प्रोसेस और ये मैकेनिज्म समझो। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज जीरो, और जीरो है तो बेटा ये लीजिए रिएक्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एक्टिवेशन एनर्जी जीरो। सो एनर्जी और टाइम या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आई होप कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ रहे हो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट, और क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर जीरो है, रास्ता छोटा हो गया, पहले रास्ता इस तरह का था, इस तरह का था, अब रास्ता इस तरह का हो गया। तो देखो बेटा एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, और यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तक खट से पहुँच जाओगे, यहाँ से यहाँ तक भाई जाने में टाइम लगेगा, पहाड़ में चढ़ोगे फिर उतरोगे, है ना, पता नहीं कितने दिन लगा दोगे, बट यहाँ से तो खट से सेकेंड्स में पहुँच जाओगे। सो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, मतलब आप ऐसे जा रहे हो। सो दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शन। तो अब टाइम आया कि भाई हम कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिए, अब क्यों ना हम DPR भी डिस्कस करें, क्यों ना हम अब DPR भी डिस्कस करें। चलिए तब बात करते हैं DPR की, डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी की बात करते हैं। चलिए अब ये कब होता है,
देखिए होता क्या है कि बेटा जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सामने से हेड एंड कोलेजन होता है, ओके मतलब ये एक पार्टिकल, ये फ्री रेडिकल था, एक ये फ्री रेडिकल था, दोनों आपस में हेड एंड कोलेजन हुआ और ये इस तरह से ऐड हो गया, नेचुरल टेंडेंसी था, कॉम्बिनेशन हो गया। मान लो लेकिन ये ऐसे था, अब ये ऐसे था, सपोज ऐसे था, ये दोनों फ्री रेडिकल देख रहे हो आप, ये है ना, अब इसकी साइड में क्राउड आ गया बहुत ज़्यादा, इस तरह का क्राउड आ गया तो बेटा क्या है, हेड ऑन कोलिजन हो पाएगा डायरेक्ट बहुत अच्छे से, नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा ये सामने से कोलाइड करने का चांसेस कम होता चला जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो फिर अपने आप को स्टेबलाइज तो इसको करना है फ्री रेडिकल को, तो एक दूसरी टेंडेंसी आती है, द टेंडेंसी इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। तो जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ता जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा, कॉम्बिनेशन का कम होता जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में होता है हेड ऑन कोलिजन, और बल्कि बल्कि ग्रुप अगर आ गए तो सामने से कहाँ टकरा पाएगा, फ्री रेडिकल जो आपस में बॉन्ड बना था, ओवरलैप होना था, इसके साइड में बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए, नहीं टकरा पाएगा ना, सो कॉम्बिनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस। तो जरा देखिएगा, इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी का जीरो नहीं होता है। सो इफ फ्री रेडिकल इज मोर क्राउडेड देन व्हेन दे कम क्लोजर स्टेरिक रिपल्शन अकर्स, बल्कि ग्रुप की वजह से स्टेरिक रिपल्शन होने लगेगा। सो इफ मोर क्राउडेड फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस एंड डीपीआर टेंडेंसी अकर्स, तो वहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी हो जाती है। बेटे बोलो कहानी समझ में आती है क्या यहाँ तक, बहुत बढ़िया चीज़ होगी है ना। सो टेंडेंसी टू कंबाइन इज वेरी लेस। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखो अब जैसे कि एक्चुअल ग्राफ इसका जो था, अगर हम एक्जो की बात करें तो एक्जो का ग्राफ कुछ ये रहा होगा, देखो यहाँ पर वही एक जो ग्राफ है, यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी भाई क्राउड है, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, मेरा पास में आएगा तो उसको फिर कुछ एनर्जी चाहिए होगा बॉन्ड वगैरह को तोड़ने ओढ़ने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होगा। तो चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं है इसलिए ये जो प्रोसेस होगा बेटा दिस विल बी स्लो प्रोसेस, स्लोअर देन कॉम्बिनेशन। सो डीपीआर इज स्लोअर देन कॉम्बिनेशन, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब डीपीआर है तो डीपीआर का मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन, और डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब बेटा डीपीआर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जब आप डीपीआर की बात करो तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, रिडक्शन की बात करेंगे। और जब आप डीपीआर की बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम मॉलिक्यूल ऑफ सेम, एक ही उसी का सेम सब्सटेंस, बोलो सेम सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ सेम सब्सटेंस। तो अगर सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं डीपीआर डिस्प्रोपोर्शनेशन, सेम सब्सटेंस। कैसे होगा अभी आपको दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज बेसिकली क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा इस कांड को समझते हैं, सॉरी इस कहानी को समझते हैं और इस कांड को निपटाते हैं, देखिए कैसे। तो अगर हम बात करें बेटे यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन की, अब मान लो कि हमारे पास ये एक फ्री रेडिकल इस तरह से कुछ जनरेट हुआ, देखिए कैसे किस तरह से। मान लो हम ये एग्जांपल लेके चलें, हमने कहा कि हमारे पास ये था बेटे CH3 CH2 और यहाँ पर कोई एक एटम जेट लगा हुआ था, इसका होमोलाइसिस हो गया, कुछ सनलाइट हीट या इस तरह से करके आपने दे दिया, इसका क्या हो गया, होमोलाइसिस हो गया। सब अब हमने जैसे कि आपको बताया कि रिएक्शन मॉलिक्यूल वाइज नहीं मोल वाइज होती है, तो CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर एक जेट फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जो ये बना तो अनस्टेबल हो गया कि नहीं हो गया बेटे, एक जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ कि कब कॉम्बिनेशन होगा, कब डीपीआर होगा, हम बात करेंगे, जस्ट अभी डीपीआर को समझना चाहते हैं कि कैसे होगा। तो ये बन गया आपका, ये बन गया बेटे, बोलो ये आपका फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। और अगर डीपीआर कराना है तो इसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एंड इसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और तभी हम बात कर पाएंगे डीपीआर की। यहाँ तक बात समझ में आती है, अभी हम क्लियर कर देंगे कि कब होगा कब नहीं होगा, बट पहले डीपीआर होता क्या वो तो समझें आप। चलिए देखिए, तो आपके पास ये आया, जब ये आया यहाँ पर तो देखो क्या हो गया। अगर ये इसको हम बोलें इसके ये कि यहाँ पर देखो, जब हमने इसकी बात की बेटे यहाँ पर कहाँ पर आई थिंक यहाँ पर, तो ये आपका कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पर, ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होगा और ये बीटा होगा, तो जो फ्री रेडिकल है वो अल्फा और ये आपका क्या है बीटा, और इसके पास जो हाइड्रोजन है दैट विल बी बीटा हाइड्रोजन, राइट। चल डीपीआर के लिए ध्यान रखना, जब कभी भी डीपीआर कराना है तो उसके पास मस्ट बी बीटा हाइड्रोजन। अभी आप क्यों ऐसा होगा समझ जाओगे आप, मस्ट बी बीटा हाइड्रोजन, उसके पास बीटा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। देखिए कैसे, तो अब क्या होगा बेटा कि ये देखो आपका अल्फा है ना, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोजन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिया।
अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, इसके पास यहाँ पर देखो अनस्टेबल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पर होमोलाइसिस हो गया, बीटा हाइड्रोजन है, होमोलाइसिस होगा, ऐसे ऐसे टूट जाएगा, देखो एच निकल गया यहाँ से और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, लो जी डबल बॉन्ड हो गया, लीजिए डबल बॉन्ड हो गया। क्या यहाँ से, क्या ये कंपाउंड से एच रेडिकल बाहर, क्या ये रेडिकल अब ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो क्या बेटा ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, या फिर आप कह सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉन भी तक जा रहा है, सो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। और यहां पर बन गया आपका एल्कीन, अब आप देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हो गया, तो आरआई से इंटरमीडिएट स्टेबल बन गया। अब हमने कहा था कि मॉलिक्यूल वाइज नहीं मोल वाइज होता, तो ऐसे करके और भी रेडिकल्स होंगे, तो ये दूसरा देखो उसका रेडिकल, कई सारे सिस्टम के अंदर पड़े होंगे, अब दूसरा रेडिकल, अब जैसे हाइड्रोजन फ्री हुआ तो भैया ये रेडिकल और ये रेडिकल सिंपल आपस में कंबाइन हो जाएंगे इस तरह से, सो सी एच टू से सी एच थ्री बना देगा। तो क्या बेटा ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो देखो यहाँ पर सी एच थ्री बन गया, तो यहाँ पर अल्किन और अल्केन दोनों बन गए, सो ऑन ऑक्सीडेशन अल्किन फॉर्म्ड, ऑन रिडक्शन अल्केन फॉर्म्ड हमेशा। अब आप देखो डायरेक्ट कैसे, देखो फॉर डीपीआर फ्री रेडिकल मस्ट हैव बीटा हाइड्रोजन, इफ नो बीटा हाइड्रोजन नो डीपीआर, क्यों, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन ही निकलता है और रिडक्शन में जाके यहाँ पर रहता है, तो बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आपका डीपीआर नहीं हो पाए। जैसे अब इसका शॉर्टकट में समझें अगर हम, तो कैसे करते, ये था देखो जरा सा, अगर हम बोलते हैं इसका डीपीआर कराना है, सी एस थ्री सी एस टू था ये हमने लिया था, तो पहले तो आप इसका अल्किन बना दो, इसके जस्ट बगल वाला क्या, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के जस्ट ये बना दो, बना लोगे ना बेटा फास्ट फास्ट अगर डीपीआर कराना है एक बार में समझो। और बेटा बताओ अगर ये तो आपका अल्किन बन गया, और दूसरा इसी पर एक हाइड्रोजन डाल दो, तो इसी का एक अल्केन बना दो, कहने का मतलब जो धारा जहाँ पर फ्री रेडिकल उसके जस्ट बगल वाला जो बीटा हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन निकाल के एक अल्केन बना दो, और जो ये फ्री रेडिकल है दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दो, तो ये अल्केन, तो अल्केन और अल्केन ऐसे बना। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास ये है, जरा बताइएगा बताइएगा, हमने कहा कि हमारे पास सपोज ये है, अब बताओ क्या इसका प्रोडक्ट बना सकते हो बेटे आप, तो इसके जस्ट बगल वाला ये है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन ये है ना यहाँ पर हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन निकालोगे ऐसे, तो क्या यहाँ पर ये अल्किन ऐसे बना दोगे फास्ट समझो, और प्लस यहाँ पर एक ये जो हाइड्रोजन निकाले हो इसको यहाँ दे दो, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, दूसरे मॉलिक्यूल की जस्ट समझा रहा हूँ, तो क्या कुछ इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे लग जाएगा, तो ये अल्किन और ये अल्किन बन जाएगा, इसके टू मॉलिक्यूल्स थे, कहानी क्लियर है। तो किस तरह से फटाफट बना लोगे, ये समझ में आया क्या बेटे आपको, ये समझ में आया क्या, अरे ये समझ में आपको आया क्या बेटे, ये समझ में आपको आया क्या, चलिए देखिए क्या। अब बात यहाँ पर जब आती है इसकी, तो देखो बड़ा सा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तीन तीन बड़े बड़े सी एस थ्री लगे हुए, तीन तीन बड़े बड़े सी एस थ्री लगे हुए हैं, ठीक। तो ये जो कार्बन है, और बेटा ये जो कार्बन है समझो, नीचे बनाते दिखाता हूँ, सी कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया यहाँ पर, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स लग गए बेटे, ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, देखिए देखिए ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं बेटे, ये देखिए, ये लेना, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब बताओ मुझे क्या ये इन दोनों को मिलने देंगे, क्या ये दोनों ऐसे मिल पाएंगे, कार्बन कार्बन ड्यू टू स्टेरिक क्राउड ये ऐसे मिल नहीं पाएंगे, सो नो कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन स्टेरिक क्राउड। तो अब क्या होगा, तो अब इस कार्बन को ना लेके, बट ये वाले जो सी एस थ्री है समझना, हमने ये तो क्योंकि इसके अराउंड जो है बेटे ये बड़े बड़े ग्रुप ऐसे लगे हुए ऐसे ऐसे, बट अगर एक सी एस थ्री की बात करें इसकी, तो देखो ये इस पर्टिकुलर फ्री रेडिकल, अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल हो और यहाँ जनरेट हो, जैसे हमने यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट करा दिया इस जगह पे, तो बताओ इस पर क्राउड देखें और इस पर क्राउड देखें, तो इस पर तो बहुत बड़ा क्राउड है इस तरह से, और बेटा अगर इस पर क्राउड देखें तो ये इस पर क्राउड आपको कम नजर आएगा, तो ये यहाँ पर इस तरह से अटैक होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर इसकी वजह से कॉम्बिनेशन नहीं डीपीआर होगा, कैसे जरा देखो, तो देखो ये क्या होगा बेटा यहाँ पर ऐसे इसके पास जाएगा, ये देखो एक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, देखो कैसे कि ये फ्री रेडिकल यहाँ पर ये टूटने लगेगा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा और ये टूटने लगेगा, तो देखो यहाँ पर बॉन्ड बनने लगा और इसके बीच का बॉन्ड टूटने लगा, और ये रेडिकल अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसका है ये वाला बेटा, समझ रहे हो बात, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसका है ये और ये, फिर यहाँ पर भी है देखो ऐसे,
तो कि ये टूट जाएगा और ये इधर आपका देखो तो यहाँ पर ये एच यहाँ पर लग जाएगा, देखिए लग गया ये वाला, बोलो बेटे, और यहाँ पर एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। दिखाऊँ कैसे थोड़ा सा, देखो ये दोनों ऐसे, देखो बेटा ये हाइड्रोजन के साथ लग गया है ना, लग गया, देखो ये सी एच बन गया। इसके बाद अगर आप देखो ध्यान से बेटा, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ लग चुका है ना। अब अगर आप गौर फरमाएं, एक सेकेंड, ये दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, देखो बना लिया। अब ये फ्री रेडिकल एक बच गया कि नहीं बच गया बेटा, जैसे बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल, क्या यहाँ पे अल्किन नहीं बन जाएगा, देखिए अल्किन बन गया। तो अब बताओ बेटा क्या यहाँ पर हाइड्रोजन ने गेन किया यहाँ पर, तो देखिए रिडक्शन, और चूंकि हाइड्रोजन इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो ऑक्सीडेशन की वजह से बनेगा, ये लीजिए। तो क्या प्रोसेस और तरीका समझ में आया क्या बेटा आपको, क्यों डीपीआर हुआ, क्यों डिकॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं हो पाया, सो ऑक्सीजन रिएक्शन हो गया, सो दैट्स व्हाई दिस इज डीपीआर। तो अब देखो पढ़ रहा हूँ, यार फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन हेड ऑन कोलिजन डज नॉट अकर्स ड्यू टू स्टेट क्राउड, स्टेट क्राउड की वजह से नहीं हो पाएगा, बट फ्री रेडिकल कार्बन विल हेड ऑन कोलाइड विथ बीटा कार्बन, ये जो है इस बीटा कार्बन के साथ कोलाइड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्राउड कम है ऑफ अदर सेम मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल का जो बीटा कार्बन के साथ इसका कार्बन फ्री रेडिकल कोलाइड करेगा और इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कराएगा बेटे, प्रोडक्ट वहाँ बना लोगे ना एकदम, अब जबरदस्त और मस्त तरीके से डायरेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, जरूर एक देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा ये बीटा है, अभी बताया था ना यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलते हैं, डबल बॉन्ड रहता, देखिए आ गया, और एक इसको हाइड्रोजन दे दो ऐसे यहाँ पर, तो सी एच लगा दो यहाँ पर, देखो आ गया। तो आपको तो ये मैंने मैकेनिज्म बताया, तो डायरेक्ट बना सकते हो ना एकदम तेजी से गर्द तरीके से, देखिए तो अब देखो अगर अब दो मॉलिक्यूल्स आपने लिए, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होता, डीपीआर में पता है डीपीआर इज स्लोअर देन कॉम्बिनेशन पता है, टेंडेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन इज वेरी लेस, मोस्ट एयर क्राउड यहाँ पर है, बड़े बड़े क्राउड्स, तो इसका मतलब डीपीआर होने वाला है, क्या होने वाला कैसे, तो एक मॉलिक्यूल हमने क्या किया इसका, ये देखो अल्फा, देखो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, बोलो ना बेटा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, सिमेट्रिकल एक ही जैसे कहीं से भी निकालो, तो अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा, देखिए आ गया, और इसको एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे दिया तो दे दिया, तो ये बन जाएगा तुरंत, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो डीपीआर कर लोगे। अब जरा देखते हैं कि कहाँ पर डीपीआर होगा, कहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, तो इतना समझ गए होगे बेटा कि अगर कम क्राउड है तो कॉम्बिनेशन के चांसेस है, ज़्यादा क्राउड है, जितना ज़्यादा क्राउड बढ़ता जाएगा कॉम्बिनेशन का चांसेस कम होता जाएगा, डीपीआर बढ़ता जाएगा। हीट करेंगे अगर हम, देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल्स अपने आप एक्टिवेशन एनर्जी जीरो था, अपने आप मिल जा रहे थे, तो नेचुरली कॉम्बिनेशन में बहुत फास्ट मिल रहे थे, लेकिन हीट करने लगोगे तो बेटा मॉलिक्यूल्स दूर जाने लगेंगे, तो कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी कम होने लगेगा, सो ऑन हीटिंग कॉम्बिनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, बट अगर आप हीट करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा था बेटे, जुड़ रहा था, फिर उसके साथ एक जगह से हाइड्रोजन निकला दूसरी जगह जुड़ रहा था, तो उसमें हाइड्रोजन को टूटने में हेल्प मिलने लगेगी, मतलब कहने का क्या कि डीपीआर का टेंडेंसी बढ़ने लगेगा, सो ऑन हीटिंग डीपीआर टेंडेंसी इंक्रीजेस एंड कॉम्बिनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा, डिग्री मीन्स बल्किनेस, वैसे वैसे डीपीआर बढ़ता जाएगा, कॉम्बिनेशन घटता जाएगा, बताओ समझ में आई कि नहीं बात प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आपको बेटे। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल, एक साथ अब आप देख लो उनको कैसे हम एक समराइज कैसे करें इसको, कहाँ पर डीपीआर होगा, कहाँ पर आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन या फिर कॉम्बिनेशन होगा, उस चीज़ों को समझते हैं। देखिए क्या बहुत सिंपल, जरा आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से देखें ना, खुद यहाँ पर कितना है, देखो स्टेट क्राउड है ही नहीं, ऑलमोस्ट तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन का चांसेस ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन का ही चांसेस होगा। अब वन डिग्री है तो बेटा यहाँ पर भी काफ़ी कम है, तो मेजर कॉम्बिनेशन ही होगा क्राउड, बट जैसे डिग्री बढ़ा तो यहाँ पर देखो बेटा टू डिग्री और ये थ्री डिग्री, थ्री डिग्री है तो बेटा बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, मेजर डीपीआर होगा, बट टू डिग्री है तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात भी हो सकती है, डीपीआर दोनों की बात हो सकती है। तो जैसे जैसे हम इधर जाते जा रहे हैं, बल्किनेस बढ़ता जा रहा है या क्राउड बढ़ता जा रहा है या डिग्री बढ़ता जा रहा है, देखो वन डिग्री टू डिग्री, तो क्या होता जा रहा है, देखो परसेंटेज ऑफ कॉम्बिनेशन डिक्रीज हो रहा है एंड परसेंटेज ऑफ डीपीआर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से परसेंटेज डीपीआर इंक्रीज होगा, अभी मैंने बताया, एंड परसेंटेज कॉम्बिनेशन डिक्रीज होगा, ध्यान रखिए। तो सी एस थ्री अगर है तो ओनली कॉम्बिनेशन देगा फ्री रेडिकल, वन डिग्री है तो मेजर कॉम्बिनेशन, टू डिग्री है तो दोनों देगा, थ्री डिग्री है तो मेजर डीपीआर देगा, बोलो बेटा कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर यहीं पर बात हो जाती है किसकी, कि अगर कोई बाई रेडिकल है तो बाई रेडिकल जो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है बेटा, तो बाई रेडिकल में देखो जनरल बात कर रहे हैं, फिर उनके सारे क्या क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हो सब बताएंगे आपको। इन अ सेम कंपाउंड टू फ्री रेडिकल इज प्रेजेंट, बाई रेडिकल का मतलब तो ये हो ना कि दो, जैसे ये है, और ये ऑलवेज इंट्रा मॉलिकुलर कॉम्बिनेशन होता है, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा या फिर पाई बॉन्ड बनेगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, बट
ऑलवेज कहने का मतलब कि अप्रोचेस तो 100, कुछ केसेस ही ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न जाएगा, बट जनरली है ना साइक्लिक या पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे कि ये फ्री रेडिकल है तो जनरली इंट्रा होता है, इंट्रा का मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो ऐसे नहीं कि इसका दूसरा मॉलिक्यूल हम ले आए और इसे कंबाइन करा के ये बना दिया, नो दिस इज नॉट, ये क्या होगा तुरंत फटाफट इंट्रा काम कर जाएगा, अंदर ही कंबाइन हो जाएगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बना देगा, बात समझ रहे हो? चलो, सो नोट, ऑल इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय रेट, जितनी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा वो रेट्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं, स्टेबिलिटी से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे सोच रहे होगे अगर आप कि सर ये तो ज़्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल फिर भी ये बना दे रहा होता है ना, तो दिस इज KCP प्रोडक्ट होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होते हैं, रेट के थ्रू कंट्रोल होते हैं, स्टेबिलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं होता, तो KCP प्रोडक्ट बनता है, बट TCP नहीं बनता, TCP होता तो देन दिस विल मेजर, बट यहाँ पर KCP बनता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, दैट्स व्हाई दिस इज, है ना, तो KCP काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक, ओके, सो हियर स्टेबिलिटी डज नॉट मैटर, अब जैसे ये है बेटे तो क्या होगा, तुरंत ही आपस में तुरंत क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे, बन गया पाई बॉन्ड, तो बाय रेडिकल्स का केस कुछ ही होगा, और भी हम एग्जांपल के थ्रू आपको आगे समझाएंगे, अभी डोंट वरी एट ऑल, सारी चीज़ें समझा देंगे कि कब कब आपको क्या क्या डील करना है, चलो समझा ही देता हूँ, देखो जरा कैसे, अगर हम बात करें आगे की तो देखिए क्या है, क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शन ऑफ फ्री रेडिकल, इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, अब देखो जैसे आप बाय रेडिकल की बात करते हो तो बाय रेडिकल में जैसे कि मैंने बताया कि जनरली इंटरमॉलिक्यूलर होगा, जनरली क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर होगा, उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो काम होना खचपच खचपच करके हो जाएगा, और KCP होता है, TCP नहीं होता है, तो स्टेबिलिटी से लेना देना उतना नहीं होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर हम वो देख लें तो फिर हम सारी बातें कर सकते हैं, जैसे देखिए कैसे एक एक चीज़ को समझिएगा बहुत तगड़े से, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, देखिएगा जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, पहला मान लो बेटा ये आपका ये है इस तरह से, यहाँ पे बना दूँ इस तरह से, बताओ बेटा ये बाय रेडिकल है, ये बाय रेडिकल है, तो आप पहली चीज़ तो ये सोच सकते हो कि ये दोनों ऐसे कंबाइन हो जाए, जैसे कि मैंने बताया था साइक्लिक बनाएगा तो बेटा ये कंपाउंड बन जाएगा, बट ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल सिंगल डबल है, ध्यान रखो, तो अगर बाय रेडिकल है उसमें रेजोनेंस आ जाए, सुनना ध्यान से, हमारा जनरल रूल क्या बोलता था कि अगर यहाँ पर सपोज अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता ऐसा होता कैसे, तगड़े समझ लीजिएगा ऐसा होता तो 100% ये फोर ये आपस में कंबाइन हो जाते, फोर मेंबर का रिंग बनता, ये एकदम सही होता, पर अगर आप यहाँ से अगर आप इस तरह से यहाँ पर ये बना दोगे दैट विल बी रॉन्ग, अच्छा तो होगा क्या, क्योंकि रेजोनेंस इज ए वेरी फास्ट फिनोमिना एंड उससे स्टेबिलिटी की बात भी आ जाती है, वैसे फास्ट फिनोमिना है अगर आप बात करो तो बहुत फास्ट फिनोमिना है बेटे, तो रेजोनेंस क्या होगा कि अगर 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 बाय रेडिकल है उसमें रेजोनेंस आ जा रहा है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आग बंद करके पहले रेजोनेंस कराओ और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है बनाओ, इसका रेजोनेंस कैसे होगा, फिर आप देखो क्या होगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर होमोलाइसिस होगा, अब जैसे ही होमोलाइसिस होगा तो देखो फ्री रेडिकल सिंगल डबल इधर से भी, फ्री रेडिकल सिंगल डबल इधर भी, तो ये रेजोनेंस इधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, इसको कैसे तोड़ोगे, ऐसे यहाँ से होमोलाइसिस कराओगे, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, ये दोनों मिलकर बॉन्ड, तो कंपाउंड ये बन जाएगा आपका, ये बने तो लग रहा था, देखो जैसे हमने बताया था ना कि बट कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो ध्यान के रखने वो भी लॉजिकल आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर बाय रेडिकल्स में रेजोनेंस आ गया तो आप पहले रेजोनेंस कराओ और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइईन बन रहा है, सो दैट इज मोस्ट प्रिफरेबल, ये ज़्यादा फास्ट जाएगा ना विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो अगर ऐसा केस आ जाए तो साइक्लिक नहीं बनाना ऐसे बनाना, सुनते जाओ, चलिए अब एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मतलब 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे ये है मान लो यहाँ पर फ्री रेडिकल ये निकला और यहाँ पर फ्री रेडिकल होमोलाइसिस हो गया, ये बन गया, तो जनरली हम क्या सोचेंगे कि भाई ये बन गया, अभी जैसे ध्यान दो अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान दे दोगे तो मज़ा आ जाएगा, ये बन गया तो आप सोचो दोनों को मिला के एक बॉन्ड बना दें, अच्छा बना भी लो एक बॉन्ड इधर पहले से था, देखो अब बना भी लो, जैसे बनाओगे तो देखो डबल सिंगल रेजोनेंस भी हो रहा है कंटिन्यूअस और उसमें 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, दिस बिकम्स एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, मतलब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं इस तरह से, जो बढ़ेगी ही नहीं बेटा तो फिर क्या मतलब बनता है, तो ऐसे केस में फिर डाइमर हो, ऐसे केस में क्या बनेगा, तो जब कभी भी एंटी एरोमेटिक का केस बनने लगे तो वहां डाइमर बनाना, बाय रेडिकल में कभी रेजोनेंस का केस आ जाए माइंड में सेट कर लो इसके बाद, और वैसे अगर कुछ इस तरह के केसेस नहीं आ रहे हैं देन आप साइक्लिक फॉर्म बनाते जाओ या पाई बॉन्ड बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो केसेस आपके सामने रख रहा हूं बस इन पे फोकस करो, यहां गलतियां आपसे हो सकती हैं, रीजन भी समझा रहा हूं, तो ऐसे केस में क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल आपने बना लिया तो दो मॉलिक्यूल सामने ले आओ ऐसे करके और बेटा इनको ऐसे जोड़ लो, डाइमर बना लो इस तरह से, तो देखिए डायमर बन गया एंड दिस बिकम्स नॉन एरोमेटिक, यहाँ एंटी एरोमेटिक यहाँ नॉन एरोमेटिक, तो ये ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखो, अब देखो सुनना, अब यहाँ से आपने निकाला ऐसे ऐसे तो ये बन गया,
अब इसको आप बॉन्ड बनाओगे तो बेटा एक तो ये बन सकता है, ये बेंजाइन बन गया। अब बेंजाइन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट से आप दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट चले गए। सो दिस इज हाई अनस्टेबल। तो अगर बेंजाइन बन, देखो एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है तो डाइमर कर दो, बेंजाइन बन जा रहा है तो उसमें भी डाइमर कर दो। मतलब इसमें भी क्या करोगे आप, दो मॉलिक्यूल सामने से ले आओगे, मतलब देखो एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, दो मॉलिक्यूल सामने ले आए और जोड़ दिए ऐसे, तो देखो ये बन गया कि नहीं बन गया, डाइमर बनाओगे। क्या बनाओगे बेटे, डाइमर बना लोगे। क्या बनाए, एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो डाइमर बना दो, बेंजाइन बन जा रहा है तो डाइमर बना दो, अगर बाई रेडिकल है रेजोनेंस हो जा रहा है तो रेजोनेंस करा दो। जैसे ये वाला देखो, इसकी बात करें, यहाँ से सीएल निकला, यहाँ से सीएल निकला, ये बन गया, ये बन गया। अब देखो फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो ये बताओ आप इसका, इसका आप डाइमर, ये आप इसका साइक्लिक बना दोगे या फिर बताओ क्या रेजोनेंस कराओगे। तो रेजोनेंस हो रहा है, बाई रेडिकल है तो बेटा रेजोनेंस कराओ पहले। तो रेजोनेंस कराने के लिए देखो यहाँ पर ये ऐसे तोड़ा इसको, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ बन गया और एक बॉन्ड यहाँ बन गया, कुछ एक कंपाउंड बनेगा। मतलब इसको आप ऐसे साइक्लिक नहीं बनाओगे, रेजोनेंस हो रहा है तो पहले रेजोनेंस कराओगे। बात समझ रहे हो बेटे। अगर आप इस कंपाउंड की बात करें तो हमने कहा था ना कि डीपीआर को, देखो बेटा अब इसमें क्या होगा बेटा, डीपीआर होने के लिए आपको बीटा हाइड्रोजन चाहिए था, इसके पास तो देखो एक दो तीन बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो यहाँ और यहाँ पर देखो, ये अगर ये अल्फा ये बीटा है, एक दो तीन चार, नो बीटा हाइड्रोजन, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। सो इट डज नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन, सो कैनॉट डीपीआर, सो इट विल गिव कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे देगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये समझ जाएगा इसका एक मॉलिक्यूल में। देखो जरा इसको भी समझाता हूँ, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे ले जाएँ, जरा देखिएगा गौर कर मिलेगा बेटे, रेजोनेंस करा लो इसको यहाँ से, यहाँ तक रेजोनेंस करा लें, दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक तो ये मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। चलो अच्छा मैं एक बार सही से लिख दिखाता हूँ, ये भी आपको भी आप समझें जरा सा। हमने कहा कि हमारे पास ये है बेटे कुछ इस तरह से, इस मॉलिक्यूल को मैं ले रहा हूँ, ठीक है गौर फरमाना बेटे, ठीक है ये ऐसे, यहाँ पे कार्बन, ये कुछ ऐसे है, और यहाँ पर, यहाँ पर मैं बॉन्ड शो कर दूँ ऐसे, यहाँ पर बॉन्ड शो कर दूँ बेटे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर तो कोई फ्री रेडिकल, रेजोनेंस जाएगा अंदर, रेजोनेंस करो, चूँकि यहाँ पर डीपीआर का चांसेस नहीं है राइट, तो कैसे पॉसिबिलिटी हो जाए, ये बहुत अच्छे केसेस हैं, अगर ये ध्यान रख ले तो काम बन जाएगा। रेजोनेंस कराओगे जब आप, तो बेटा बताओ डायरेक्ट समझो बात को, जब रेजोनेंस कराओगे तो ये होमोलाइसिस होगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, देखो दिख रहा है क्या, यस देखो डबल बॉन्ड, ये कुछ ऐसा, और इसके पास एक हाइड्रोजन है पहले से ही, देखो एक दो तीन चार हाइड्रोजन पहले से। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, टूटा तो ये एच यहाँ पर चला जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं समझ में आ रहा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा एकदम बेटा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बात को समझें, बढ़िया तरीके से बेटा। तो ये हमने क्या किया, ये पी एच है, ये पी एच है, ये पी एच, तो एक तो मॉलिक्यूल हमने वही ले लिया, समझना, एक हमने मॉलिक्यूल यहाँ से बनाया ना रेजोनेंस करके, ये देखो आया आपके सामने, ये देखो आपके सामने आ गया बेटे, यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया, ये एच नहीं निकलेगा, ये जब ऐसे जाएगा ना बेटे, देखो समझो बात को, मैं बना दूँगा वेब डायरेक्ट क्या बनना होगा, देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर एक एच आपके पास है, एच रहने दो, दिखाओ चाहे ना दिखाओ, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल ऐसे आ जाएगा, ऐसे है ना, ये टूटेगा नहीं ऐसे, इसको हटाओ, ठीक है, ये एच सो करो या नहीं करो, ये दोनों आपस में ऐसे कंबाइन हो जाएंगे, जब ये दोनों आपस में कंबाइन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, देखो आ गया ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो ये वाला है ये यहाँ पर है, देखो ना एक दो तीन चौथा हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है। सो दिस बिकम्स कॉम्बिनेशन, क्या बन गया बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। देखो ये रेडिकल और जो यहाँ पर ये रेडिकल था, इसको सही कर दूँ क्या मैं, अच्छा रुको बेटा इसको मैं थोड़ा सही कर दूँ, नहीं तो अब बाद में कन्फ्यूज हो गए फिर। वेट, अब ठीक है, अब यहाँ से भी आप देख सकते हो और करके, ये देखो आ गया बेटा ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या हो जा रहा है यहाँ पे बेटे, कॉम्बिनेशन, सो डीपीआर नहीं, क्या होगा,
कॉम्बिनेशन होगा। डीपीआर के लिए क्या चाहिए, हालांकि आप देखोगे कि बल्कि बल्कि ग्रुप्स थे, डीपीआर होना चाहिए था, बट डीपीआर के लिए तो बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो बीटा हाइड्रोजन था ही नहीं इसके पास, नया बीटा हाइड्रोजन, नया बीटा हाइड्रोजन, नया बीटा हाइड्रोजन, तो रेजोनेंस हुआ और कुछ इस तरह से रिएक्शन हुआ। तो सुन लो ध्यान से, मैं एकदम क्लियर कर दिया बेटा, पहले अगर बाय रेडिकल है रेजोनेंस हो रहा है तो पहले रेजोनेंस करा दो, कोई साइक्लोएक्रिल की मत बनाना। अगर एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है तो डाइमर बना दो, अगर बेंजाइन हो जा रहा है, फ्री रेडिकल की बात हो रही है, बाय रेडिकल की, तो आप क्या करोगे, डाइमर बना दोगे। और अगर ये वाला केस इस तरह का स्पेशल एक्सक्लूसिव केस है बेटे, एकदम ऐसा केस है, तो क्या करना है, कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीज़ों को अगर माइंड में रखोगे तो आप बहुत तगड़े से बेटा सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे, मस्त तरीके से बेटे, बात समझ में आ गई होगी। चलो देखो फटाफट एग्जांपल, अच्छा जरा, क्या ये वन डिग्री है, यस वन डिग्री है, तो वन डिग्री है तो कॉम्बिनेशन ओनली, कॉम्बिनेशन मेजर, तो ये कॉम्बिनेशन ही करा देते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऐसे एक मॉलिक्यूल सामने से आ जाएगा, तो देखो तीन ये हैं और ऐसे एक सामने से आ जाएगा, तो छः बन जाएगा। टू डिग्री है तो कॉम्बिनेशन प्लस डीपीआर, दोनों प्लस डीपीआर, टू डिग्री में दोनों पॉसिबिलिटी थी, तो पहले तो कॉम्बिनेशन बना दो, तो ऐसे एक मॉलिक्यूल सामने से ले आओ, जोड़ दो, तो कॉम्बिनेशन हो गया। ये कर पाओगे ना बेटे, डीपीआर में क्या होगा, यहाँ पर था ये बीटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ला दो, देखो आ गया डबल बॉन्ड इधर, या फिर कैसे भी एक ही चीज़ है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले और दूसरे यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैक करा दोगे, तो ये बन जाएगा। अब ये वन डिग्री है तो सीधे कॉम्बिनेशन, एक मॉलिक्यूल ऐसे सामने से ले आओ, तो बीच में देखो ऐसे एक सामने से मॉलिक्यूल लाओगे ना, इस तरह से देखो, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, यहाँ पर सब जुड़ जाएंगे, तो और यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, तो कितने कार्बन, दो कार्बन बीच में आ गए, सो सी एस टू होल्ड, और ये बन जाएगा। थ्री डिग्री है तो यह डीपीआर मेजर, तो एक डीपीआर हाइड्रोजन दे दो, तो ये बन जाएगा। और बीटा कहीं से निकाल दो यहाँ से, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो बेटा, तो बताओ कब कब कॉम्बिनेशन होगा, कब डीपीआर होगा, क्या होता है डिस्प्रोपोर्शन डीपीआर, क्या होता है कॉम्बिनेशन, और कौन सी इसकी स्पेशल केसेस हैं बायरेडिकल्स के, वो भी मैंने आपको सारे कुछ बता दिया है ना। रेजोनेंस वाला बताया कि रेजोनेंस हो रहा था, पहले रेजोनेंस कराओ, बायरेडिकल है, जनरली बायरेडिकल इंटरमोलिकुलर होता है, ठीक है, साइक्लिक वगैरह बन सकता है, पाई बॉन्ड बनेगा, बट अगर एरोमेटिक का केस आ जा रहा है तो आप क्या करोगे, इंटर नहीं होगा, फिर क्या होगा, वहाँ पर डाइमर बनाएगा, दो मॉलिक्यूल्स आपस में है ना, इंटर होगा वो। अगर बेंजाइन बन जा रहा है तो उसमें इंटर नहीं करोगे, क्या करोगे, इंटर कराओगे। हाँ, रेजोनेंस में इंट्रा ही होगा, उसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा, बट रेजोनेंस होगा, साइक्लिक नहीं होगा। और अगर तीन फिनाइल रिंग है और बीच में एक थ्री डिग्री कार्बन के साथ फ्री रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें कॉम्बिनेशन होगा, कैसे होगा वो आपको मैंने दिखाया। तो अगर ये चीज़ें ध्यान रखते हो तो बेटा फ्री रेडिकल के कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, अब हम बात कर सकते हैं बहुत डिटेल में, जो भी आज के सेशन में मैं करना है बहुत बढ़िया तगड़े से, कि अल्केन कपलिंग रिएक्शंस कैसे कैसे क्या क्या हो सकती हैं। तो अल्केन कपलिंग रिएक्शंस हम जनरली कौन कौन से रिएक्शंस की बात करते हैं, कपलिंग रिएक्शंस मतलब जुड़ना, दो लोगों का जुड़ना, कपल बनाना है ना, वुड्स रिएक्शन, वुड रिएक्शन जनरली थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं देते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन ये भी कपलिंग है, ये वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री सब देते हैं, बट फ्रैंकलैंड में डीपीआर नहीं होता है, कोलबिज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोरियाउस, ये सब के सब कौन से रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, मतलब यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन, 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 दो कपल, दो लोग मिल रहे हैं, कपल बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कपलिंग रिएक्शन है बेटे आपका, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत बढ़िया से तगड़े से बात कर सकते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अल्केन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, कहाँ से शुरू करेंगे, अल्केन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। और अगर अब आपने सारी चीज़ें तगड़े से समझ ली हैं, फ्री रेडिकल में क्या था, कॉम्बिनेशन क्या था, डीपीआर क्या था, उसका मैकेनिज्म क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी, बायरेडिकल अगर है तो उसमें कौन कौन से स्पेशल केसेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने। तो अब हम बहुत बढ़िया से बात कर सकते हैं बेटा किसकी, अल्केन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। और ऐसे करके फटाफट हम लोग तेजी से चीज़ों को समझते हैं और मस्त इन्जॉय करते हुए चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ओके बेटा। तो चलिए बेटे अब बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की, और बढ़िया और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे समझते हैं, है ना। देखिए क्या क्या है इसमें, बढ़िया तरीके से देखें एक बार, मैं इसको समझाता हूँ आपको, और जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उन सबका देखो कैसे हम तगड़े से यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है बेटे, जब हम वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं, सो अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई इथर, है ना, ड्राई इथरल भी बोल सकते हैं इसको, इसमें फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ड्राई इथर का मतलब क्या, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, वाटर या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें। सोल्यूशन गिव हायर अल्केन्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। आइए आपने अल्काइल हैलाइड लिया, लाइक दिस इज ब्रोमो इथेन, इसके टू मॉलिक्यूल्स ले लिए, सोडियम लिया टू मॉलिक्यूल्स ड्राई इथर के प्रेजेंस में, तो आप देखोगे यहाँ से 2NaBr निकल जाएगा और CH3 आप देखो यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल अल्किन मिल जाएगा, देखिए इस तरह से, और हमेशा इवन नंबर ऑफ मिलेगा, इवन नंबर ऑफ मिलेगा, जैसे आपने समझ बेटा, तो आपका ब्रोमो मीथेन था ये,
अब ब्रोमो इथेन ले लिया, अब देखो एक कार्बन का था, अब जैसे भी देखो अगर आपने यहाँ पर बैठा ना एक कार्बन कर लिया तब भी आपको यहाँ पर दो कार्बन का मिल रहा है, तो अगर अगर आप ऑड नंबर का भी ले रहे हो तब भी आपको यहाँ पर इवन नंबर का एल्केन मिलेगा, क्योंकि क्योंकि ऑड को अगर आप टू से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हो ना बेटे, तब भी इवन हो जाएगा, अगर आप इवन को भी टू से मल्टीप्लाई करो तब भी वो इवन ही होगा, आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हो, तो हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर दो कार्बन का है तो ये इवन है, इवन इवन दो मिल रहे ना, डाइमर बना रहा है, तो बेटा यहाँ से क्या होगा देखो आप ब्रोमोइथेन यहाँ से 2NaBr निकल जाएगा और C2H5 यहाँ पर ये आ जाएगा चार कार्बन का, तो सिर्फ 4 कार्बन एंड दैट इज इवन, तो हमेशा आपको इवन और सिमेट्रिकल मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, नॉर्मल ब्यूटेन मिल जाएगा, यहाँ पर इथेन मिल गया आपको। अब बात ये आती है कि अब हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ इस तरह का ले लिया, सेम अल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराया, तो अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ड्राई ईथर, तो वहाँ से हायर एल्केन्स मिलेंगे, मतलब हायर का मतलब कि एक कार्बन का था तो दो कार्बन का मिला, दो कार्बन का था तो चार का मिलेगा, तीन होगा तो छः का मिलेगा, चार होगा तो आठ का मिलेगा, जस्ट डबल होता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से टू पे मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ से देख सकते हो जस्ट डबल हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 1 2 का 4। सो व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड आर टेकन, मान लो एक तरफ आप CH3Br ले लो और एक तरफ आप C2H5Br ले लो यहाँ पर, उसके बाद फिर क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क लगाओ एंड लगा भी है देखो ऑलरेडी, और इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसके पहले ये जैसे हो रहा है उसका मैकेनिज्म क्या होगा थोड़ा वो देखें, देखिएगा अब होगा क्या बेटा, वुड्स रिएक्शन की बात करें, आपने RX लिया, NA लिया, ड्राई ईथर लिया, तो आपने देखा कि ये यहाँ से इसका जस्ट RR मिल गया है ना, कुछ कैसे अभी आपको दिखाया गया RX प्लस 2NA प्लस XR ऐसे यहाँ से, तो देखो यहाँ पे RR मिल गया और यहाँ से NAX मिल गया, तो यहाँ पे हाईलाइट मिलता है, ध्यान रखो बेटा वुड्स रिएक्शन में यहाँ पर आपको जो क्या मिला X माइनस मिलेगा, हाईलाइट मिलेगा, क्या मिलेगा हाईलाइट X माइनस, नॉट हेलोजन, हेलोजन नहीं, X2 नहीं मिलेगा, नॉट हेलोजन, आपको यहाँ पर हाईलाइट्स मिलता है, ध्यान रखना X2 नहीं मिलेगा, हेलोजन्स मिलते हैं, राइट। दो तरह की मैकेनिज्म फॉलो होती है, सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे पता है आपको, एक रेडिकल मैकेनिज्म होगा और एक आयोनिक मैकेनिज्म होगा, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें बेटा रेडिकल मैकेनिज्म की, तो जरा देखिए आपने एन ए लिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, एन ए प्लस बनाएगा बेटे तुरंत, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2Na+ आ गया यहाँ पर, चलिए ठीक है। RX था, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, सोचो RX है, अब RX में अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, समझना बेटा बात को, समझना, तो यहाँ पर X माइनस निकल जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर क्या आएगा R प्लस आएगा, क्या आएगा R प्लस आएगा, तो यहाँ पर जब ये टूटा तो R प्लस आएगा, R प्लस डेवलप हुआ, R प्लस में फिर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, तो R प्लस में जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ पर R प्लस था एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कुछ इस तरह से सिस्टम बनेगा, क्योंकि देखो R प्लस था एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर, समझना, तो बेटा बताओ प्लस था इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस आया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पर R रेडिकल बन गया, अल्काइल रेडिकल, देखिए अल्काइल रेडिकल, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें सेम रिएक्शन, तो ये 2R हो गया, 2R यहाँ से हो गया, और आपका देखो बेटा आपने यहाँ पर जब इसके देखो 2R और यहाँ पर 2X-, समझ में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपको मिल रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन बेसिकली, जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो रहे हैं ये कहाँ से मिले बेटा, आपको सोडियम से मिले, फिर आपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिए और एक का रिएक्शन दिखा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 का आपका समझ में आ गया, तो 2R, अब ये 2R रेडिकल आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे बेटे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो RR आपस में कंबाइन हो गया, याद है ना रेडिकल का जो नेचुरल प्रॉपर्टी होता क्या था, कॉम्बिनेशन, या फिर DPR कॉम्बिनेशन हो गया, तो RR बन गया, और यहाँ पर देखो 2Na+ बेटे, यहाँ पर देखो 2Na+ और यहाँ पर 2X-, यहाँ से NX मिल जाएगा, तो X2 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा X- मिलेगा, हैलाइड मिलेगा, सोडियम हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, लाइक इस तरह से मैकेनिज्म समझ में आया, चलो आगे बात करें। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आयनिक मैकेनिज्म की, 2Na+ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया सिंपल, RX था कुछ इस तरह से, समझना बात को तगड़े से। अब हुआ क्या बेटा कि यहाँ पर तगड़े से बात को समझने की कोशिश करना, या समझाता हूँ यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर पीछे में और इसमें डिफरेंस क्या जा रहा है ये देख लो पहले आप। यहाँ पर R प्लस आया था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, R रेडिकल बन गया था तुरंत, ये देखो R रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए थे, RR बना दिया था, डिफरेंस जरा देखना इसमें क्या हो रहा है, देखो RX से आपके पास टूटा माइनस प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, फिर से वही R पर प्लस है माइनस है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेडिकल जनरेट हो गया और प्लस यहाँ से X- हो गया बाहर, फिर से ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना बेटे, 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा, ये लिया इसने 1 इलेक्ट्रॉन,
तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक और आएगा और इलेक्ट्रॉन चूंकि ले तो आर माइनस बन जाएगा, ठीक है, आर माइनस कार्बेनाइन बन गया, क्या बन गया कार्बेनाइन। नाउ दिस कार्बेनाइन, जैसे यहां से क्या बना कार्बेनाइन, तो इसके आर एक्स के तो और भी सारे पार्टिकल्स होंगे, तभी कार्बेनाइन फिर से इस आर पर रिएक्ट करेगा और ये अब किसका काम करने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, आर पर माइनस चार्ज आ गया, कार्बन पर माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहां पर ये एक्स जो है वो लिविंग ग्रुप का काम करने लगेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगेगा। तो देखिए क्या हुआ, तो ये जो आर माइनस है यहाँ पर इसको अप्रोच करेगा, जब इसको अप्रोच करेगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, बॉन्ड ऐसे टूटेगा, टूट ही रहा आपको दिख रहा है साफ साफ, जब टूटेगा यहाँ पर तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर आपको आर माइनस मिलेगा, आर प्लस मिलेगा, आर माइनस आर प्लस मिलकर आर आर बना देगा और यहाँ से एक्स माइनस बाहर निकल जाएगा। और जो एक्स माइनस बाहर निकलेगा, और जो एक्स माइनस बाहर निकलेगा बेटे देखो ये, और यहाँ पर क्या है देखो एन ए प्लस, तो यहाँ से एन एक्स बना देगा वो, तो एक्स माइनस जो बाहर निकला यहाँ पर ये आपका एन ए प्लस के साथ रिएक्ट करके एन एक्स बना देगा। बोलो बेटे कहानी समझ में आई क्या, तो एक एक्स माइनस यहाँ से निकला और एक एक्स माइनस वहाँ से निकला, तो बेसिकली टू एन टू एक्स, मतलब इसको ऐसे समझो यहाँ से आप ऐसे करो तो एक एक्स माइनस आपको यहाँ नजर निकलता हुआ नजर आ रहा है देखो इस आर एक्स से, और एक एक्स माइनस यहाँ से निकला था देखो इस वाले से, तो टू एक्स माइनस हो गए और यहाँ पर टू एन ए प्लस है, एक एक्स माइनस यहाँ पे और जरा देखो एक एक्स माइनस यहाँ से निकला, तो फाइनली आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपका टू एन ए प्लस प्लस एक्स माइनस आपस में रिएक्ट करके बेटे क्या बना देगा आपका टू एन ए एक्स बना देगा। बोलो बेटे, सो दिस इज कॉल्ड आयोनिक मैकेनिज्म। अब चूंकि ये एसएन रिएक्शन है बेटे, और ये न्यूक्लियोफाइल आर पर जो माइनस चार्ज होता है ये तगड़ा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है बेटे, और अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है बहुत, तो ये स्ट्रांग बेस की तरह भी काम कर सकता है, स्ट्रांग बेस होगा भी, कार्बन पर माइनस चार्ज बहुत अच्छे स्ट्रांग बेस होता है, स्ट्रांग बेस है, और अगर ये हायर डिग्री का हो गया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, पता है ना आपको, तो अगर ये अगर आपका वैसे वन डिग्री है तो आपका एसएन देगा, बट अगर ये हायर डिग्री हो गया टू डिग्री या थ्री डिग्री तो एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, तो बेटा यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा एलिमिनेशन हो जाएगा और बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्किन बन जाएगा फिर, ध्यान रखना। तो इस चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बेसिस पे आगे चीज़ें हो सकती हैं। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब ड्रॉबैक का बुर्ज रिएक्शन क्या है, आगे कई सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, पहला तो वही कि इवन नंबर का ही बना सकते हो, सिमेट्रिकल ही बन सकता है, अनसिमेट्रिकल नहीं बन सकता है, और अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाना है तो उस केस में क्या होगा, वो सब बात समझनी होगी हमको। देखिए कैसे, पहला पॉइंट, इट गिव्स ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन ऑफ अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन, और यहां पर जो आर है वो आपका वन डिग्री होना चाहिए, अगर हायर डिग्री हो गया, अब समझो बेटा अभी समझाया था ना नेचुरल टेंडेंसी, तो अगर वन डिग्री है तभी आपका कॉम्बिनेशन होगा, तभी आपका सिमेट्रिकल, वुड्स में सिमेट्रिकल मिलता है ना, तो कॉम्बिनेशन से ही तो सिमेट्रिकल मिलेगा, अब टू डिग्री हो गया तो कॉम्बिनेशन और प्लस डीपीआर हो जाएगा, बोलो बेटा, और अगर आपका थ्री डिग्री हो गया तो वहां पर अल्किन बन रहा था कि नहीं बन रहा था बेटा, तो वहां पर केवल और केवल डीपीआर होगा। तो देखिए, सो इफ टू डिग्री कॉम्बिनेशन प्लस डीपीआर, समझाया था कि नहीं, अगर थ्री डिग्री है तो ओनली डीपीआर, तो ये चीजें थी जो आपको हमने फ्री रेडिकल में आगे समझाया था, देखो कितना यूज हो रहे हैं यहाँ पर। सो ओनली कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन वन डिग्री, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि भैया वन डिग्री का ही हो सकता है, तभी सिमेट्रिकल अल्किन आपको मिलेगा, इवन नंबर का मिलेगा, अदरवाइज आपका अल्किन भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिलने लगेगा, टू डिग्री या थ्री डिग्री हुआ तो। सो वुड्स रिएक्शन, मिक्सचर ऑफ अल्किन इज फॉर्म्ड, कैसे अभी दिखाते हैं आपको, अल्किन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन इज फॉर्म्ड एंड डीपीआर प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड, तो भैया इसमें डीपीआर के चांसेस भी हैं, भाई अगर थ्री डिग्री है तो डीपीआर बन जाएगा, टू डिग्री है तो कॉम्बिनेशन और डीपीआर बन जाएगा, अल्केन भी मिल जाएगा, अल्किन भी मिल जाएगा, बस समझ रहे हो, और अगर केवल वन डिग्री है दिन तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी, मिक्सचर ऑफ अल्केन, अल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन ही बनेगा एंड डीपीआर प्रोडक्ट भी बन सकता है, बुर्ज रिएक्शन कैन बी यूज टू फॉर्म इवन नंबर ऑफ कार्बन एंड सिमेट्रिकल अल्केन, सिंपल उसी के लिए यूज हो सकता है। इफ थ्री डिग्री ओनली डीपीआर बता चुका, इफ वन डिग्री कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, अब ड्राई ईथर का काम क्या है, जरा समझो ड्राई ईथर का काम क्या है, होता क्या बेटा, अगर आप ड्राई ईथर लेते तो क्या होता, और अगर मॉइस्ट ईथर ले लें, मतलब अगर हम जो भी ईथर ले रहे हैं उसके साथ पानी अगर है, मॉइस्चर अगर है तो क्या होता, सोडियम मेटल ले रहे हो तो सोडियम और पानी के साथ आपस में रिएक्शन करके NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा, और आपको पता है कि सोडियम को अगर पानी में डालो तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हाई इलेक्ट्रोथर्मिक होता है, इट्स वेरी डेंजरस टू अस, और क्या होगा कि सोडियम वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था कि सोडियम बेटा, सोडियम क्या होता था कि एन ए प्लस में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन दे रहा था, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा था तब आगे आप रिएक्शन बढ़ा रहे थे, आर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे करके आर रेडिकल बना रहा था, फिर आयोनिक मैकेनिज्म में जा रहे थे, फिर रेडिकल मैकेनिज्म में जा रहे थे, कब जा रहे थे, जब आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, और भैया अगर आपने मॉइस्चर ले लिया, मॉइस्ट ईथर ले लिया तो एन ए और इसके बीच में रिएक्शन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, आपको ऑलरेडी यहाँ पर एन ए प्लस और ओ एच माइनस मिल जाएंगे और यहाँ पर एच टू गैस निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन हियर, और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वुड्स कहाँ से पॉसिबल है, मैकेनिज्म आपने देखा,
सो वी डोंट गेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, वेरी डेंजरस टू अस, हम यहाँ पर बुर्ज नहीं करा पाएंगे। सो इन ड्राई इथर एनर्जी डज नॉट रिएक्ट विद इथर। तो अगर ड्राई इथर होगा है ना, अगर ड्राई इथर होगा तो बेटा सोडियम इथर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसके इथर के साथ ये क्या होता है, स्टेबल होता है। बट पानी के साथ हाईली एक्सोथर्मिक होगा, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। और अगर ड्राई इथर है बेटे तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और हम दैट्स वाई हम ड्राई इथर यूज़ करते हैं, ड्राई इथर यूज़ करते हैं, और वो रिएक्शन पॉसिबल होता है। चलिए बात, अब हमने एक चीज़ और कहा था क्या, कि अगर हम डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड्स ले लें, एक आर एक्स ले लें, एक आर एस एक्स ले लें, तो उस केस में क्या वुड्स रिएक्शन में हो सकता है, चलिए वो भी देखते हैं। तो अगर हम तो सिमेट्रिकल बन रहा था, अब अगर हम अगला केस लें, देखो क्या वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, याद करो, देखो ये क्वेश्चन मार्क है, व्हाट विल हैपन व्हेन टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स टेकन। अब जरा देखिए उस केस में क्या होगा, गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए इफ अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड, हमने कहा था हर चीज को समझाएंगे आपको। तो एक आपका CH3Cl है और एक बेटा Cl CH2CH3 है, एनए ड्राई इथर लिया, तो हमें क्या लग रहा है कि भाई यहाँ से एनए है और ये Cl, मतलब यहाँ से एनए 2Na लेके 2NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर CH3CH2CH3 ये बन जाएगा। बट बेटा नहीं, केवल ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्यों अभी समझाते हैं। और ऐसा थोड़ी कि एक ही मॉलिक्यूल इसका, एक ही मॉलिक्यूल इसका ऐसे बन गया। भैया आप रिएक्शन हमेशा मोल के प्रोपोर्शन में कराते हो, मोल के प्रोपोर्शन कराने का मतलब आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022×10^23, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। तो ये तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकती है, बट और सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी क्या, देखो। सो रिएक्शन आर ऑलवेज टेकन इन मोल्स, इट इज अ वेरी बिग नंबर, सो वेरी बिग नंबर ऑफ CH3Cl एंड ClCH2CH3 विल बी प्रेजेंट इन सिस्टम। आप मैकेनिज्म पे जाओ, आपने आर रेडिकल बनाया था, तो यहाँ से आपको CH3 रेडिकल मिलेगा, यहाँ से आपको CH3CH2 रेडिकल मिलेगा। तो पहला तो क्या हो सकता है कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन, CH3CH3 आपस में कंबाइन हो जाए, और भी तो CH3 मिलेंगे, तो आपका ये बना देगा, ये आपस में कंबाइन कर ले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे दे, तो CH3CH2CH2CH3 बन जाएगा, देखिए आपका ये बन गया। और दूसरा ये हो सकता है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए, तो ये बन सकता है। तो भैया यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्केन दिखाया था ना, पीछे लिखा हुआ था मिक्सचर ऑफ अल्केन बन जाता है, आपको इथेन भी मिलेगा, आपको ब्यूटेन भी मिलेगा, और आपको प्रोपेन भी मिलेगा, मिक्सचर ऑफ अल्केन मिलेगा। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो अगर आप चाहते हो बनाना, उसका पर्टिकुलर कंपाउंड का यील्ड नहीं अच्छा मिलेगा। अगर आप ये कंपाउंड बनाना चाहते हो तो इस रिएक्शन से आपको ये कंपाउंड का यील्ड अच्छा नहीं मिलेगा, और इनको सेपरेट करने में भी बहुत अच्छी कॉस्ट लगेगी, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्केन से मिलने वाले हैं। सो हियर वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड यील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्रीज मच मोर। बिल्कुल भाई बात सही है कि जब इतने सारे मिले तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का परसेंटेज तो कम हो ही जाएगा ना। एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज वेरी डिफिकल्ट अल्केन अल्केन को, क्योंकि अल्केन अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी ये काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं इन नेचर। तो बेटा इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। सो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज वेरी डिफिकल्ट, सो फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन इज यील्डलेस नॉट यूजफुल, तो उनका यील्ड लेस होगा और यूजफुल भी नहीं होगा। तो व्हाट हैपेंड इफ अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड, इसका आंसर मिल गया आपको क्या क्या हो सकता है। चलिए ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ जाती है बेटे, देखते जाएँ तगड़े से और मज़े करते जाएँ, ये है सब कहानियाँ बेटे यहाँ पर जो चल रही है। आप बस मज़े करो, लेक्चर इन्जॉय करें बेटे आप बस। चलिए अब हम बात करें अगर कोरे हाउस वर्सेज वुड्स, कोरे हाउस वर्सेज वुड्स बात करें, कोरे हाउस अभी हम आपको और भी दिखाएंगे, पर थोड़ा सा कंपेरिजन कर लें। जब हम बात करते हैं वुड्स की, जैसे कि हमने कहा कि हमने एक रिएक्शन लिया Rx प्लस 2Na प्लस R1X और यहाँ पर ड्राई इथर डाला, तो बेटा बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। R रेडिकल आपस में कंबाइन होकर RR बना दे, ये रेडिकल बनाएगा आपस में कंबाइन होकर R1 बना दे, और फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होकर R1 बना दे, बताओ मिक्सचर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। सो अब यहाँ पर अगर आप देखो, यील्ड ऑफ कोरे हाउस इज मच मोर देन वुड्स, क्योंकि वुड्स में क्या हो रहा है, वुड्स में क्या हो रहा है कि R1 भी बन जाएगा, R1 भी बन जाएगा, RR भी बन जाएगा। बट कोरे हाउस में क्या होता है बेटे, समझो बात को, कोरे हाउस में क्या होता है, अगर हम कोरे हाउस सिंथेसिस की बात कर लें, CHS की बात कर लें, कोरे हाउस सिंथेसिस की बात कर लें, तो अगर आपने इसमें RX लिया है, समझना बेटे, और दूसरा आपने R1X लिया है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है एक ही प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट विल बी RR1 ऑलवेज। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपका जो अनसिमेट्रिकल जो अल्केन आपको मिल सकता है तो वो यहाँ से मिल सकता है, एंड इसका यील्ड बहुत अच्छा होता है फ्रॉम कोरे हाउस। बट अगर वुड्स करोगे तो बेटा आपको यहाँ पर आपको R1 भी मिल जाएगा, R1 भी मिलेगा, RR भी मिल जाएगा, बट इन कोरे हाउस विल गेट ओनली RR1, ओनली RR1, सो यील्ड इज मच मोर। तो यहाँ पर कोरे हाउस इसको बनाने के लिए बहुत अच्छा है, बोलो। सो यील्ड ऑफ कोरे हाउस इज मच मोर देन वुड्स, बिकॉज हियर नॉट फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट्स लाइक DPR इन वुड्स, DPR अल्किन वगैरह जो बनते हैं, या मिक्सचर ऑफ अल्किन जो बनते हैं वुड्स में, यहाँ पर कोरे हाउस में ऐसा कोई लोचा नहीं है। इन वुड्स
इफ वन इज आर एंड अदर इज आर वन, एक आर है और दूसरा आर वन है, देन सो चांसेस ऑफ आर आर वन आर वन आर वन आर आर इन फोर्स रिएक्शन, बट हियर ओनली आर आर वन, कोरे हाउस में सिर्फ आर आर वन मिलेगा, सो इट इज मच मोर। कंपैरिजन समझ में आया? अब कोरे हाउस को थोड़ा और डिटेल में आपको आगे बता देंगे, बट अब इतना तो बात समझ में आ रहा है कि अगर हम दोनों में कंपैरिजन करना चाहें, अगर हम ये बात आपको बोल रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए अगर मान जाओ कि ये सही है और सही अभी आपको प्रूव करके दिखा देंगे, तो बट अगर आप कंपेयर करो तो बेटा बताओ ये बेटर मेथड है कि नहीं इसका यील्ड बढ़िया बनाने का। यहाँ से अगर इसको बनाना चाहो और यहाँ से इसको बनाना चाहो तो कहाँ से बहुत अच्छा यील्ड मिलेगा? यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ तो बहुत सारे चीज़ें कम मिलेगा, और चांसेस ऑफ डी पी आर भी तो यहाँ हो सकता है, हमें आर थोड़ी पता भी क्या है, डी पी आर तो अल्किन वगैरह भी तो मिल सकता है। अगर R1 X होता ओनली, देन मुझे प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन विल बी R1 R1, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर R1 होता यहाँ भी R1 होता तो ये आपका मेजर मिल जाता, एंड दैट विल बी ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन, हमेशा इवन का होगा, चाहे ऑड नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लो चाहे आप इवन ले लो। इन कोरे हाउस प्रोडक्ट इज ऑलवेज R R1, राइट, नॉट मिक्सचर, सो इल इज वेरी गुड, बहुत अच्छी यील्ड होगी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कहानी समझ में आती बेटे यहाँ तक? चलिए कुछ क्वेश्चन देखें फटाफट तेजी से। देखिएगा अब हमने क्या किया, ये लिया एन ए लिया और ये ड्राई इथर लिया। अब जरा देखना क्या ये बेटा वन डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर अब याद करो जब वन डिग्री कर रहे थे, अब यहाँ पर देखना मैं साइड में लिख रहा हूँ, जब वन डिग्री कर रहे थे तो कॉम्बिनेशन टू डिग्री में दोनों चांसेस थे, कॉम्बिनेशन प्लस डी पी आर, और जब हम थ्री डिग्री की बात करें तो डी पी आर। अब इसके बेसिस से प्रोडक्ट बना लो, देखो ये सारी चीज़ें पहले बता चुका, तो अब देखो वुड्स में आपको हेल्प मिल रहा कि नहीं मिल रहा, कोरिया सब अब मिलेंगे आगे, ठीक है। अब बताओ बेटा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चांस किसका बनेगा, लिखते जाओ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन का चांस बनेगा, ओनली कॉम्बिनेशन से लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, देखो जरा सा ओनली कॉम्बिनेशन, तो बस इसका डबल हो जाएगा, देखिए डबल हो गया कॉम्बिनेशन, ये रेडिकल बनेगा और आपस में कंबाइन हो गया बना देगा। अब ये भी देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ एक ही कार्बन से वन डिग्री है, तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब एक रेडिकल यहाँ से बनेगा और दूसरा वाला ऐसे सामने ऐसे आ जाएगा और कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो दो कार्बन का यहाँ पर आ जाएगा बीच में, देखिए सीएच टू सीएच टू आपके सामने देखते जाए। अब देखिए जो हमने किया आपको समझाया फ्री रेडिकल का वो तो कितना यूजफुल आपके लिए बैठे। अगर ये टू डिग्री तो यहाँ पर सारी चीज़ें बनने वाली, एक तो पहले कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना लो, तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, ये रेडिकल बना फिर एक रेडिकल सामने आएगा, कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट ये हो जाएगा, क्योंकि टू डिग्री में कॉम्बिनेशन और डिपेयर दोनों, तो यहाँ पर सी एच टू यहाँ पर सी एच टू ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, तो सॉरी ये सी एल निकलेगा तो यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, तो ये रेडिकल और कुछ इस तरह का सामने वाला रेडिकल, ये रेडिकल आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा दूसरा डी पी आर में क्या बताया था, जैसे ये रेडिकल बनेगा, जैसे ये रेडिकल बनेगा बने था यहीं पर समझो, जैसे ये रेडिकल बनेगा तो बगल वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा बेटे, यहाँ पर अल्किन बन जाएगा, देखो अल्किन बन गया, और जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला यहाँ पर चिपक जाएगा तो अल्किन बन जाएगा, बता चुका हूँ कि नहीं, ये भी टू डिग्री सिमिलरली वैसे ही बन जाएगा, एक तो आपका देखो कॉम्बिनेशन हो गया ये कॉम्बिनेशन और ये आपका डी पी आर, क्योंकि टू डिग्री में सब पॉसिबल है। डी पी आर कैसे, ये रेडिकल बना और ये बीटा कार्बन है तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन होंगे, तो अगर ये यहाँ से ब्रेक होगा ऐसे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आगे डबल बॉन्ड, और दूसरा जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर अटैक कर जाएगा तो ये बना देगा, तो अल्केन देखो आप, तो बेटा बताओ देखो वुड्स ये वुड्स ही तो है, अब वुड्स में अल्केन भी मिल रहा है अल्किन भी मिल रहा है, भैया कैसे है पॉसिबल है ये सारी चीज़ें, है ना, सो दिस इज नॉट ए गुड मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, राइट। तो अगर वन डिग्री है तो ठीक है, सिमेट्रिकल अल्किन बनाना चाहते हो देन इन दैट केस वन डिग्री अल्काइल हैलाइड पर ले रहे हो, सिर्फ वन डिग्री और सिमेट्रिकल ले रहे हो, सिर्फ एक ही टाइप का अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, देन इट्स ओके, वुड इज फाइन, अदरवाइज फिर कोरे हाउस की बात करो, वहाँ से बनाओ। चल इसकी बात कर लें अगर हम, अब देखो तगड़े से, अब यहाँ से ये निकला यहाँ से निकला तो बेटा ये रेडिकल बन जाएगा, अब बताओ बाई रेडिकल है, कोई रेजोनेंस का चांस है नहीं है, कोई एंटी एरोमेटिक की बात हो रही नहीं, क्या कोई बेंजाइन की बात हो रही नहीं, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, केसीपी प्रोडक्ट, यहाँ से निकला देखो ये रेडिकल जस्ट एक बॉन्ड बना देगा, बना दिया, यहाँ से निकला साइक्लाइजेशन हो जाएगा, देखिए जस्ट ये बन गया, सब बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ ऑलरेडी जी, अगर ऐसा होता तो क्या होता बताना जरा साहब, मान लो यहाँ पे सी एल होता यहाँ पे बी आर होता, सपोज ऐसा होता तो क्या होता, और कुछ इस तरह का होता, सपोज मान लेते हैं ऐसा होता तो क्या होता, तो यहाँ पर रेडिकल जनरेट होता, मतलब क्या कुछ ऐसा बन जाता लाइक दिस, अब बताओ क्या यहाँ पे बॉन्ड बनता, नहीं बॉन्ड बनता तो बेंजाइन बन जाता जो कि अनस्टेबल है, बता चुका हूँ, तो ये डाइमर बनाएगा, कैसे डाइमर बनाएगा, एक मॉलिक्यूल इसका ऐसे इधर आएगा और एक मॉलिक्यूल इसका ऐसे इधर आएगा, देख लो ध्यान से आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे करके बॉन्ड बना देता, ये बन जाता है यहाँ पर, समझ रहे हो बेटे, अगर ऐसा होता तो क्या होता, सपोज पता ना मुझे, ये होता यहाँ सी एल होता यहाँ बी आर होता और ये निकलता यहाँ से, तो क्या ऐसे तरह का रेडिकल बनाता, अब बताओ बेटा क्या ये पाई बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, बाई रेडिकल में ध्यान रखना बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, नहीं एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी डायमर करेगा, डायमर कैसे करेगा, देखो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन फिर सामने आएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन और ये आपस में मिल गए कुछ इस तरह से बना देगा,
समझ रहे हो कहानी? तो कुछ इस तरह से चीज़ आती है सामने। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। अब ये बूट्स आपका पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया मस्त और जबरदस्त तरीके से। कोरियाज जब आपको अभी और आगे बता दूंगा तो आप और इन्जॉय कर लेना। अब आते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन में, आते हैं कैसे फ्रैंकलिन रिएक्शन में। इसमें डिग्री डिग्री का कोई लोचा नहीं है, मैकेनिज्म सिमिलर टू वुड्स है। देखिए क्या है, आपने 2CH3Cl लिया, जिंक ड्राई इथर लिया, तो यहाँ से ZnCl2 निकल गया और यहाँ पर CH3CH3 कंबाइन होकर ये बना दिया फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो अगर जिंक ले रहे हो सोडियम की जगह तो फ्रैंकलिन हो जाता है। मैकेनिज्म देख लो जरा कैसे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखें जरा इसका ध्यान से क्या होगा। जिंक था, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन दिए, CH3Cl है, ऐसे टूटा तो देखो ये माइनस और इस पर आया प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा यहाँ माइनस और ऐसे आएगा तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, CH3 रेडिकल बन जाएगा। ऐसे दूसरा मालिकूल भी 2CH3 रेडिकल, भाई बहुत सारे मालिकूल्स होंगे तो ऐसे दो दूसरा मालिकूल लिया, तो उसे मल्टीप्लाई अगर आप कर लो इसको ऐसे तो दो मालिकूल हैं, आपस में कॉम्बिनेशन दे देंगे और ये बन जाएगा इथेन। सो इफ इन वुड्स रिएक्शन जिंक मेटल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम देन इट इज कॉल्ड फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो भाई वुड्स में अगर जो सोडियम सोडियम की आप जिंक ले लो तो फ्रैंकलिन हो जाता है, एंड देन एंड ऑल मैकेनिज्म ऑफ सेम एज वुड्स एकदम। अब इसकी अगर नेक्स्ट मैकेनिज्म अगर आप देख लो, RX है जिंक ट्राइथर, RR आयोनिक मैकेनिज्म देख लो, जिंक Zn2+ दिया 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा कि जब ऐसे टूटेगा, जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे देखो प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 माइनस आएंगे ना बेटे, तो ये प्लस माइनस होगा न्यूट्रलाइज और फाइनली आपके पास R- बचेगा, देखो ये R- और X- आपका बाहर हुआ। फिर ये R- क्या करेगा, वही बैक साइड यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, SN रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से टूटेगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, आपका R+ जनरेट हो जाएगी, R+ या R- RR बना देगा और यहाँ पर X- निकल जाएगा, तो 2X- और Zn2+ बताओ बेटा Zn(X2) बना दिया कि नहीं बना दिया, देख लो यही तो था रिएक्शन, यही तो था रिएक्शन बेटे। देखो Zn देखो X था या Cl था, तो Zn Cl2 बन गया और RR मतलब देखो CH3 बन गया, ये आपका फ्रैंकलिन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। आगे बढ़ते हैं उल्मैन रिएक्शन की बात करते हैं। अब तो सब कुछ बहुत आसान हो गया बेटे आपके लिए, सब कुछ बहुत आसान हो गया बेटे, तो मस्त करें एकदम मस्त जबरदस्त इन्जॉय करें आप। उल्मैन रिएक्शन में क्या होगा देखिएगा, उल्मैन रिएक्शन में अब हम यहाँ पर अभी फ्रैंकलिन में हम क्या ले रहे थे, कॉपर ले रहे थे, सॉरी जिंक ले रहे थे, यहाँ पर कॉपर डस्ट और हीट ले लेंगे, और यहाँ पर हम आयोडोबेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं आयोडोबेंजीन। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये इसका डाइमर फॉर्म बन जाता है, जैसे आप वुड्स में करा रहे थे जैसे आप फ्रैंकलिन में करा रहे थे। मैकेनिज्म देख लो, CO+ बने 1 इलेक्ट्रॉन, अब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन की बात होगी तुरंत ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये देखिए आ गया प्लस, I- बाहर, ये तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रहा मैं यहाँ दिखा दूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देखो ये फ्री रेडिकल। सिमिलरली दूसरा मालिकूल भी ऐसे ही जाएगा, दो मालिकूल आपस में कंबाइन हो गया, कंपाउंड बना देंगे, खत्म कहानी, एक थरा जाए एक थरा नहीं, दोनों निपट गए, खत्म कहानी, बोलो ये ऐसे। तो ऐसे भी समझ सकते हो, CuCO2+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, समझिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना। रेडिकल मैकेनिज्म भी देख लो इसका, अब इसमें क्या होगा, ये ऐसे टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, जैसे प्लस आया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया देखो, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ये। सिमिलरली इसका 2 इलेक्ट्रॉन फिर से ऐसे ही जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी यूज हो जाएगा और इस तरह से 2 आपके पास आ जाएंगे ये, और प्लस 1- और निकल जाएगा और यहाँ से आपके ये बना देगा, और यहाँ पर CO2+ था और CO2+ बेटे 2I- के साथ CO2 बना देंगे। तो कई तरीके से मैकेनिज्म है बेटे, सारी मैकेनिज्म आप देख सकते हो, हर चीज़ आपको मैं समझाता जा रहा हूँ बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। CO2+ और ये हो गया आपका, कहानी क्लियर है? चल और आगे बात करें, और आगे बात करते हैं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। क्या करते हैं जनाब आप, वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं। वुड्स कर लिया, फ्रैंकलिन कर लिया, लुमैन कर लिया, अब वुड्स फिटिंग भी कर लो, ठीक है। देखिए भाई वुड्स फिटिंग क्या होगा, वुड्स फिटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम एक होता है RX, तो एक होता है आपका PH, मतलब एक अल्काइल हैलाइड होता है और एक आपका आरआइल होता है। फिटिंग में आरआइल की बात करते हैं, वुड्स में अल्काइल की बात करते हैं, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वुड्स फिटिंग हो जाता है। देखिए कैसे,
अच्छा, अब ये चीज़ हमने पहले भी आपको बतानी थी, यहाँ पर भी बता देता हूँ, उलवाइन वगैरह में भी ये चीज़ यूज करनी थी, यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखो होता क्या है, समझना जरा एक बात को, देखिएगा हम यहाँ पर ड्राई ईथर जो यूज़ कर रहे थे, ड्राई ईथर जो यूज़ कर रहे थे, अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें, वुड्स रिएक्शन की, बेटा तो वहाँ तो आप अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, तो जब आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हो लाइक अपने CH3Cl लिया, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे बेटा क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर देखो ऐसे डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर सिंगल डबल का होगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसका बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये आसानी से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो इसको निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी इसको, और एनर्जी देने का मतलब इसको हीट करना होगा, और हीट करेंगे तो हमें ऐसा ईथर चाहिए जो हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जिसका, नहीं तो अगर हीट करोगे तो जो आपने ईथर लिया वो भी निकल लेगा, उड़ लेगा। तो इसलिए हम ड्राई ईथर में यहाँ पर THF यूज़ करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज़ करते हैं, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो जब हम इसको हाई टेम्परेचर देंगे, इसके डबल बॉन्ड कैरेक्टर को आ गया यहाँ पर, इसको अगर हमें तोड़ना है यहाँ से, तो अगर हम इसको यहाँ से तोड़ना है बेटा तो इसको हीट करना पड़ेगा, और अगर आप इसको हीट करोगे तभी ये टूटेगा, और अगर लोअर लो बॉइलिंग ईथर आपने ले लिया तो भी उड़ जाएगा, निपट लेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा ईथर लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो, सो एट हाई टेम्परेचर TF डज नॉट कन्वर्ट इन वेपर, और वहाँ पर ये अपना काम कर जाता है, इसलिए हमें हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले ईथर लेने पड़ते हैं। बात समझ रहे हो बेटे? तो अब समझो, देखो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, हियर ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन सी एंड सी एल, ओके, सो टू रिमूव सी एल मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, रिक्वायर्ड, सॉरी, इसको हटाने के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ये तभी निकलेगा जब हाई टेम्परेचर देना होगा, सो लो बॉइलिंग ईथर्स कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि वो भी निकल लेंगे, सो वी यूज THF हाई बॉइलिंग ईथर सो दैट एट हाई टेम्परेचर इट डज नॉट कन्वर्ट इन वेपर एंड रिमेंस इन लिक्विड फॉर्म, और रिएक्शन पॉसिबल होते चली जाए। सो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, हाई बॉइलिंग ईथर है, सो एट हाई टेम्परेचर THF डज नॉट कन्वर्ट इन वेपर, सो नॉर्मल ईथर लाइक CH3O, CH3, ETO, ET आर लो बॉइलिंग ईथर्स, तो इनको नहीं लेते हैं, बिकॉज सो एट हाई टेम्परेचर दिस विल कन्वर्ट इन टू वेपर, ये सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, THF नहीं कन्वर्ट होगा, इसलिए यहाँ पर हम THF लेते हैं। समझ रहे हैं ना बेटे? तो इस तरह से जब अराइल की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हमें हाई बॉइलिंग ईथर लेने होंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले ईथर लेने होंगे लाइक THF। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था। क्या समझ में आया कि THF यहाँ पर क्यों यूज़ करने वाले हैं? तो जहाँ पर भी अराइल हैलाइड आ जाएगा वहाँ पर आपको हाई बॉइलिंग पॉइंट ईथर लेने पड़ेंगे THF टाइप के, बट अगर नॉर्मल अल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पर आप नॉर्मल ये वाले ईथर यूज़ कर सकते हो, ड्राई ईथर जैसे वुड्स में आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप अल्काइल की बात करते हो। कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बेटे? चलिए, समझ में आई बेटा बात बढ़िया से, तगड़े से कि नहीं, मस्त और जबरदस्त तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, तो देखिए ये बात आपको क्लियर होगी बेटे। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या फिर, अब ये चीज़ तो आप देखो, यहाँ पर हमने Na और THF लिया बेटे, लिया कि नहीं लिया, देखो सोडियम, और हमने यहाँ पर THF लेना पड़ा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि देखो अराइल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर दिक्कत नहीं थी, बट बेटा जब तक ये और ये दोनों नहीं निकलेंगे तब तक तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से Cl ये निकलेगा, है ना, यहाँ पर रेडिकल जनरेट कराओगे, यहाँ रेडिकल जनरेट कराओगे, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तब ये बनाएंगे, तो रिएक्शन तो आपको समझ में आती होगी, मतलब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख के देख सकते हो, लाइक ये मैकेनिज्म सब आपको मैं बता ही चुका हूँ, आप यहाँ पर 2Na ले लो इस तरह से, अब डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो बेटा, बोलो डायरेक्ट, अब आप ये बात समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? तो अब CH3 वाले Cl को निकालने में दिक्कत नहीं है, पर बेटा ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर इसलिए आपको हाई बॉइलिंग ईथर लेना होगा Na और THF, यहाँ पर नॉर्मल बॉइलिंग ईथर से काम नहीं चलेगा, यहाँ से 2NaCl निकलेगा कुछ इस तरह से, मैकेनिज्म आप पूरी समझ गए होगे कैसे क्या है, बोलो बेटा समझ गए हो ना, तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, इसको टॉल्विन बोलते हैं, अल्काइल बेंजीन, है ना, मिथाइल बेंजीन बन गया है, टॉल्विन बन गया है, कुछ इस तरह से ये बात क्लियर होगी आपको, राइट, ओके। तो ये बात की हमने, तो दिखा देते हैं आपको, ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देखो आप सामने है, दिस रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग का भी बता रहे हैं, ए मेटल इज यूज एज अ रिएजेंट एंड ड्राई ईथर इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन, सॉल्वेंट एक प्लेटफॉर्म देता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन इज एरोमेटिक इन नेचर एंड हैज अल्काइल साइड चैन, अल्काइल साइड चैन, एरोमेटिक इन नेचर, ओके, वुड्स फिटिंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस अल्केन्स फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, बताया था ये आपका अल्काइल और ये आपका अराइल, ये आपका अल्काइल, ये आपका अराइल, या एरोमेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, अब ड्राई ईथर कौन सा, हाई बॉइलिंग ईथर, रिएक्शन कैन बी रिटेन एज दिस, इस तरह से देखो ARX X AR और R यहाँ पर बन गया, देखो ये, और यहाँ से NX निकल जाएगा, एज सोन हियर एरोमेटिक अल्केन इज प्रोड्यूस्ड विद दिस रिएक्शन, देखो ये सोडियम सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट, सोडियम सॉल्ट, देखो सोडियम हैलाइड,
वी कैन यूज एनी एरोमेटिक एंड एनी अल्काइल ग्रुप हियर इन दिस रिएक्शन. कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लो जहाँ पर अल्काइल हो, और कोई सा भी आप ये ले सकते हो. वी जनरली यूज क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज हैल्डिहाइड एज हैलाइड एज दे वर इजली अवेलेबल. हाउ एवर अदर हेलोजन ऑल्सो गिव दिस रिएक्शन. दूसरे हेलोजन भी देते हैं. ईथर इज यूज एज ए सॉल्वेंट दिस रिएक्शन. द ईथर वी यूज हियर रिक्वायर टू बी ड्राई एज वी आर यूजिंग मेटेलिक सोडियम. तो क्यों ड्राई होना चाहिए? क्योंकि मेटेलिक सोडियम होगा तो हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाएंगे, रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगी. ये रिएक्शन आपके सामने है. बता चुका हूँ, नहीं बता चुका बेटा सारी चीज़ें. तो आपका वोट्स फिटिक हो गए. चलिए अब फिटिक बात करते हैं. फिटिक रिएक्शन हमने किया क्या? अल्टीमेटली हमने किया क्या? हमने ये किया. क्या किया? ये किया. ये मतलब कि जब हम वुड्स की बात कर रहे थे, देखिएगा जरा सा, जब हम वुड्स की बात करें तो केवल हमने आरएक्स की बात की. जब हमने वुड्स फिटिक की बात की, फिटिक की, तो हमने आरएक्स प्लस पीएचएक्स की बात की. अल्काइल अराइल, यहाँ पर अल्काइल, यहाँ पर अल्काइल अराइल दोनों. और जब हम फिटिक की बात करने जा रहे हैं तो आप ऐसे समझो ना, वुड्स मतलब अल्काइल और फिटिक में आपका क्या रहा अराइल, तो यहाँ पर हम केवल और केवल अराइल की बात करेंगे. जब हमने उल्माइन की बात की तो उल्माइन में भी हमने अराइल की बात की, पीएचएक्स की बात की. बोलो बेटे, राइट. तो जब फिटिक की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अराइल की बात करने जा रहे हैं. सिंपल सिंपल सा बात होगी यहाँ पे. अब चूंकि अराइल की बात करने जा रहा हूँ, लाइक कुछ इस तरह का कंपाउंड आप लोगे कि नहीं लोगे यहाँ पर इसमें, लाइक आपने ये लिया तो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. तो बताओ कौन सा ईथर यूज करोगे? टीएचएफ यूज करोगे, हाई बॉलिंग पॉइंट ईथर यूज करोगे, है ना. तो वो चीज़ मैंने आपको समझाई, जस्ट अभी समझाई थी कि नहीं समझाई थी? देखो ये पूरी कहानी आपको समझाई थी कि नहीं समझाई थी? तो आपको बोलने की जरूरत है नहीं. रिएक्शन आप देख सकते हो सीधे सीधे यहाँ पर क्या. फॉर रिएक्शन वी नीड सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म. और लिक्विड में चाहिए तो भैया हाई बॉलिंग ईथर चाहिए. तो यहाँ से बस जैसे उल्माइन था वैसे इसका रिएक्शन हो जाएगा, सीएल प्लस टू एनए प्लस सी एल. मैकेनिज्म एकदम एग्जैक्टली आपके माइंड में फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बेटा? मैकेनिज्म एकदम. और देखो यहाँ से ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन. ये कहानी आपके सामने. वुड्स रिएक्शन, इट हैज सेम रिएजेंट लाइक वुड्स फिटिक रिएक्शन, बट इट इन्वॉल्व्स अल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग इन दिस रिएक्शन गिव एन अल्केन. तो जब वुड्स की बात करते हो बेटे तो देखो ये सी एस थ्री सी एस टू सी एल सी एस थ्री सी एल, यहाँ पर कुछ इस तरह से अल्काइल की बात करते हो कहने का मतलब. और प्लस यहाँ पर और भी क्या बन सकते थे, और भी क्या बन सकते थे बेटा बताओ? यहाँ पर वुड्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इसका अगर डाइमर बनाओगे तो सी एस थ्री लिख दूँ मैं यहाँ पे, प्लस सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू, मिक्सचर ऑफ अल्केन मिल जाएगा ना. और दूसरा अगर आप इसका डाइमर बनाओगे तो मतलब कॉम्बिनेशन करोगे तो सी एस थ्री मिल जाएगा. तो ये और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. इन दिस रिएक्शन, इन फिटिक रिएक्शन, व्हाट वी यूज? अराइल, अराइल यूज करेंगे. तो यहाँ से सी एल निकाल दो, ये कंबाइंड हो जाएगा. ये रिमेंबर दैट देर आर वेरी नैरो डिफरेंस बिटवीन वुड्स वुड्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शंस, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद दैट. रिमेंबर दैट हैलोजन प्रेजेंट इन हैलाइड कंपाउंड, समझ रहे हो? ये देखो यहाँ पर हैलोजन प्रेजेंट है. तो ये जो हैलोजन यहाँ पर निकल रहा है, देखो NaCl के फॉर्म में निकल रहा है, यहाँ भी NaCl के फॉर्म में निकल रहा है, वुड्स फिटिंग में भी NaCl के फॉर्म में निकलेगा अगर Cl लोगे. तो जनरली यहाँ पर NaX निकलता है, हैलाइड निकलता है, सोडियम हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड इस तरह से. या उल्माइन की बात करो तो सोडियम आयोडाइड. हैलोजन नहीं निकलता है, ये कहना है. देखो मैंने बोला है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, रिमेंबर दैट हैलोजन प्रेजेंट इन हैलाइड कंपाउंड्स हियर इज नॉट रिमूव्ड एज हैलाइड गैस, मतलब एक्स टू गैस के फॉर्म में नहीं, बट इट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट, मतलब हैलाइड आयन के फॉर्म में, एन एक्स के फॉर्म में. हैलोजन गैस या हैलाइड गैस के फॉर्म में नहीं निकलता है, ये ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई कि नहीं समझाई बेटे? बढ़िया गर्दा तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे समझ में आई कि नहीं आई? अब चल इस पर भी फटाफट क्वेश्चन देखें. सो क्वेश्चन ऑन फ्री रेडिकल जरा एक बार देख लिया जाए, मस्त और जबरदस्त तरीके से फटाफट आप देखो, और उसके बाद फिर आपको कोरिया हाउस भी बताते हैं. अब देखते जाना फटाफट तरीके से. क्या बेटा अगर हम यहाँ से सी एल को निकालें, यहाँ से फ्री रेडिकल बना लो, यहाँ फ्री रेडिकल आया, यहाँ फ्री रेडिकल, जैसे ही आया, अरे भाई साहब बाई रेडिकल है और रेजोनेंस हो सकता है, तो रेजोनेंस कराओ. तो देखो ये इसको ऐसे थोड़ा होमोलाइसिस किया, तो देखो ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा. बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? यहाँ से इसको निकाला, यहाँ से इसको निकाला, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल. बताओ बाई रेडिकल है, रेजोनेंस का केस नहीं है, बेंजाइन का केस नहीं है, एंटी एरोमेटिक का केस नहीं है, तो सिंपल साइक्लिक या पाई बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ तो साइक्लिक बन जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से. तो जब आप ये साइकिल बनाओगे तो आप देखना कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर आपको नजर आएगा. तो देख लीजिए जनाब मजे से, देखिए क्वेश्चंस. अगर हम इसकी बात करें, ये रेडिकल आया, ये रेडिकल आया, लीजिए साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा. देखिए यहाँ से ये बन गया, लीजिए जनाब. बोलो मजा आ रही है कि नहीं आ रही है?
मजा आ रही है कि नहीं मारे। अच्छा डाइमर कब बनता है बेटे, डाइमर कब बनता है, जब आपका एंटी एरोमेटिक बन रहा हो या बेंजाइन बन रहा हो तो डाइमर बना लो, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो पहले रेजोनेंस करा लो, अदरवाइज आप साइकिल बनाओ या पाइपन बनाओ। अब जैसे इसका केस देखो, ये यहाँ से निकला यहाँ से निकला, तो बेटा बताओ ये फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट होगा, मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं? यस, ये देखो यहाँ पर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। जब ऐसे बनेगा तो बेटा इसको जब मिला दोगे तो आपको बेंजाइन नजर आएगा कि नहीं फ्री रेडिकल, तो बेंजाइन अगर नजर आएगा तो इसका मतलब कि ये तो अनस्टेबल है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, डायमर फॉर्म बनेगा। तो ये इसके देखो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो ये निकलेगा ना ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये दोनों डायमर बना लेगा, ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। सारी चीज़ें बेटा कैसे बताएं आपको, बताओ कैसे बताएं आपको, हम यहाँ से ये निकाला, यहाँ से निकाला, ये देखो ये है, यहाँ से ये निकाला, देखो ये है, बट यहाँ पर रेजोनेंस हो जा रहा है। तो भैया अगर रेजोनेंस हो गया तो पहले तो आप रेजोनेंस कराओगे, तो रेजोनेंस कराओ, देखो यहाँ से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया इसका, तो देखो यहाँ से ये दोनों मिलके ये होमोलाइसिस होगा, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, देखिए बना लिया, और ये फ्री रेडिकल यहाँ बचेगा, ये बच गया, और ये फ्री रेडिकल है, बाई रेडिकल है। अब बाई रेडिकल है बेटे, बताओ बेंजाइन का केस नहीं है, एंटी एरोमेटिक का केस नहीं है, रेजोनेंस का केस था आपने करा लिया, नाउ नाउ द नेक्स्ट स्टेज, या तो पाई बन या फिर साइकिल, तो साइकिल बन जाएगा। कितने मेंबर का काउंट कर सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः मेंबर, और इधर भी काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः मेंबर, छः छः मेंबर की बन जाएगी, और जहाँ से जुड़ा है उसके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, जहाँ से जुड़ा उसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये देखिए है ना मस्त। ये है बेटा, ये है वुड्स फिटिंग, है ना, ये सारी कहानियाँ। तो ये जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपने समझा है तब आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया से और बहुत तगड़े समझ पा रहे हो मज़ेदार तरीके से। चलिए अब बनाते हैं क्या, अब बनाते हैं देखो क्या, अल्केन फ्रॉम कोरे हाउस, अल्केन फ्रॉम कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस हम लोग कर रहे थे, चलो अब कोरे हाउस समझते हैं क्या होता है, अब कोरे हाउस को भी निपटाते हैं। तो ये बहुत प्यारा और बहुत मस्त लेक्चर बेटा हमने आपके सामने रखा है, आपने बहुत इंजॉय किया होगा मैं समझ रहा हूँ। अब कोरे हाउस सिंथेसिस में काफ़ी कुछ तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इसमें क्या होता है कि अगर हम एक RX ले लें और एक हम R1X ले लें, तो यहाँ पे R1 बन जाता है, और यही आपका मेजर होता है, और इसका अच्छा खासा यील्ड होता है। अब ये कैसे कैसे क्या होता है ये यहाँ पे समझो आप। तो ये क्या हो रहा है, देखो लोअर एक एक यहाँ पे कुछ कार्बन यहाँ दोनों मिलके, बताओ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे, तो ये लोअर एल्केन को हायर, मतलब लोअर अल्काइल हैलाइड से या हायर आप अल्केन में चले जाओगे। यहाँ पे सिंपल हम करते क्या है, यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX, उसके LI से रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा ये RLI बनाता है, फिर उसका रिएक्शन हम CuX से कराते हैं, तो यहाँ पर ये एक रिएजन बनाता है। देखो कैसे, आप इसको ऐसे समझो, इसके टू मॉलिक्यूल्स अगर आप ले लो ऐसे, तो उसको मैं समझा देता हूँ कैसे, ऐसे और यहाँ से ये बनाएगा और प्लस यहाँ से LIX निकल जाएगा। तो कैसे, ये एक LI और एक X निकल गया LIX, अब यहाँ पे एक बचा LI और दो R बचे, तो R2 और एक CU और एक LI, R2 CU LI बन जाता है और LIX बाहर निकल गया। दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड गिलमैंस रिएजेंट। और चूंकि आर पर माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, बहुत तगड़ा कार्बन पे अगर माइनस चार्ज है तो बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आर माइनस मतलब सी माइनस है, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब जब आपने एक बार गिलमैंस रिएजेंट बना लिया समझो, तो आपने RX रिएक्शन LI से कराया, फिर RLI रिएक्शन आपने CuX से कराया, गिलमैंस रिएजेंट बनाया। जब ये गिलमैंस रिएजेंट बन जाता है तो बेटा गिलमैंस रिएजेंट फिर ये जो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड होता है उसके साथ, देखो RX से शुरू किया था आपने, RX से शुरू किया था, अब ये जो दूसरा वाला R1X है उसके पास जाता है। अब बेटा यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, बट ये लोअर डिग्री होना चाहिए, 1 या 2 डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेटे, एलिमिनेशन करा देगा, एलिमिनेशन करा देगा, इसलिए लोअर होना चाहिए। तो अभी क्लियर बता देंगे क्या क्या होना चाहिए, R क्या होना चाहिए, ये वाला R क्या होना चाहिए, ये R1 क्या होना चाहिए, अभी बहुत क्लियरली बताने वाले आपको, है ना। तो यहाँ से देखो बेटा RX है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस, अब गिलमैंस रिएजेंट है तो ये मेटालिक कंपाउंड है, तो इसमें प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये R- और ये R1 आपस में मिलकर RR1 बना देंगे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक RCU निकल जाएगा और LIX निकल जाएगा। चलो अब इनका क्या मैकेनिज्म वो भी समझो, वो भी समझो, समझाते हैं, बट ध्यान रखो RX LI के साथ RLI बनाएगा, फिर CuX का रिएक्ट करके गिलमैंस रिएजेंट बनाएगा, फिर गिलमैंस रिएजेंट दूसरे वाले अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके आपका RR1 बनाएगा, ठीक है। ओके चलो अब दिखाते हैं इसका केस, आपको दिखाते हैं अब इसका केस, आपको दिखाते हैं अब, इंजॉय करो आप। इन अल्काइल हैलाइड जो आपने बाद में R1X लिया था उसमें जो R1 है वो 1 डिग्री हो सकता है या 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर 3 डिग्री हो गया तो आपने जो गिलमैंस रिएजेंट बनाया था R2CuLI, ये R- है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तगड़ा बेस है, अगर 3 डिग्री हो गया R1X में तो एलिमिनेशन दे देगा, बिकॉज इफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ R2CuLI एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्योंकि यहाँ पर इन R2CuLI R- इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो इन 3 डिग्री बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। समझा चुके हैं कहानी आपको, कैसे समझाएं हम आपको, कैसे समझाएं अब और क्लियर देखें। ये कैसे बनाया था याद करो, RX लिए थे समझना, इसका रिएक्शन LIX से कराया था, RLI बना था, RLI का रिएक्शन CU
ना, बताओ बेटा सी यू एक्स से कराया था, इसके टू मालिकुल्स लिए थे तो आर टू सी यू एल आई बना, फिर इसका रिएक्शन हमने आर वन एक्स से कराया तब आपका आर आर वन बना। तो देखिए आर आर वन बन गया बेटे यहाँ पे, ये देखिए आर आर वन आर सी यू एल आई एक्स बन गया। एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, आप बेटा क्या कर रहे हो, आप आर एक्स ले रहे हो, उसका रिएक्शन आप एल आई से करा रहे हो बेटे, समझना। तो आर एल आई बन जा रहा है, आर एल आई बन जा रहा है, आर एल आई, फिर इसका रिएक्शन आप सी यू एक्स से करा दे रहे हो टू मॉलिक्यूल्स यहाँ से, तो एक तो आपका एल आई एक्स निकल जाता है और गिलिबन्स रिएक्शन मिल जाता है, क्या बन जाता है आर टू सी यू एल आई, इस पर प्लस इस पर माइनस, ये बन जा रहा है। अब देखो जरा कैसे क्या, अब जैसे कि आप ये रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हो मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने लिख रखी है, फॉर्मेशन ऑफ गिलिबन्स रिएजेंट, फिर कैसे कैसे क्या होगा, तो पहले गिलिबन्स रिएजेंट बना लेते हैं कैसे बनता है ये वाला, फिर इसके बाद फिर आगे रिएक्शन कराते हैं कैसे बनेगा फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा है, तो चलो आपको कुप्चे में ले चलते हैं, कुप्चे मतलब आप खुले के नहीं जाना कहीं, मतलब कि यहाँ थोड़ा यहाँ पे साइड में ले जाके समझाते हैं यहाँ पे जो लिखा है। तो पहले स्टेप में देखो क्या होने वाला है बेटा, क्या एल आई जो आप ये वाला ले रहे हो, ये दिस एल आई, ये आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है तो एल आई प्लस देगा और प्लस तो वन इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको कर दो तो उसे मल्टीप्लाई, टू मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो आपका टू एल आई प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन, समझना बात को, पहले स्टेप ये हो गया। फिर दूसरे स्टेप में आपके पास बेटे क्या है, आर एक्स है, आर एक्स में ये बॉन्ड हमने तोड़ा है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, तो आर प्लस और प्लस एक्स माइनस बना, समझिएगा बेटे बात। अब जैसे ही आर प्लस बना, दो इलेक्ट्रॉन निकले ना बेटे यहाँ से, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर क्या होगा कि प्लस था दो इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने तो दो माइनस आ जाएंगे, प्लस माइनस एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या आर माइनस बच जाएगा, ये देखिए ये आर माइनस, क्या यहाँ पर एल आई प्लस था, क्या यहाँ पर आर माइनस है, तब ये जो आर माइनस है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आर माइनस बेटे क्या होगा, आर माइनस इस देखो ना आर माइनस और यहाँ पर एल आई प्लस या ये एल आई प्लस के साथ रिएक्ट करके आर एल आई बना देगा, कहाँ तक पहुँचे आप, क्या आर एल आई समझ आ गया, आया समझ में क्या, अरे बोलो बेटा आया समझ में क्या, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है, बैलेंस वैलेंस करना ठीक है, मैकेनिज्म पे ध्यान दें आप, यहाँ तक आर एल आई हमने बना लिया। अब जैसे आर एल आई बनता है बेटे, तो आगे बढ़ते हैं, जैसे आर एल आई बना तो इसके बाद आप सी यू एक्स के साथ रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पर है बेटे प्लस और यहाँ पर है देखो माइनस, और ये आपका ये मेटल है तो प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, क्या ये आर सी यू बना देगा, यस, और देखो ये एल आई और ये एक्स एल आई एक्स बना देगा, वाह भाई वाह गजब, फिर ये आर सी यू आर एल आई के साथ जो आर एल आई यहाँ पर है ये अगेन रिएक्ट करेगा और फिर आर टू सी यू एल आई बना देता है बेटे, और फिर जब गिलिबन्स रिएजेंट बन गया, दिस इज योर गिलिबन्स रिएजेंट जी आर, गिलिबन्स रिएजेंट नॉट गिलनॉट रिएजेंट, गिलिबन्स गिलिबन्स रिएजेंट। अब ये रिएक्शन जब आर वन आर एक्स के साथ करेगा बेटे, तो देखो आर एक्स है ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पर कॉपर पर प्लस है, इस पर माइनस है, ये आर माइनस ये आर वन प्लस, आपस में आर आर वन बना देगा, और बताओ बेटा यहाँ पर सी यू है और यहाँ पर एक आर है तो आर सी यू बन जाएगा, और यहाँ पर एल आई है प्लस और एक्स माइनस है, एल आई एक्स बन जाएगा, बताओ मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया बेटे। तो देखो यहाँ पर हमने कहा था ना कि यहाँ पर केवल और केवल प्रोडक्ट जो बनेगा अल्केन का वो ये वाला बनेगा, ये तो साइड प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, तो ये इसका यील्ड जो बहुत तगड़ा होगा कि नहीं होगा, जबकि बूट्स में अगर हम आर एक्स लेते आर वन एक्स लेते तो क्या बन जाता, आर आर बन जाता, आर वन बन जाता, आर आर वन बन जाता, किसी काम का नहीं था, बेकार था, बट देखो कोरे हाउस में ये, तो अब वो बात जो मैं वहाँ समझा रहा था आपको, क्या यहाँ समझ में आई, क्या क्या यहाँ समझ में आई क्या, वाह बहुत गर्दा काम हो गया भाई। सो नोट, यील्ड ऑफ कोरिया हाउस इज मच मोर देन वुड्स, बिकॉज हियर नॉट फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट्स लाइक डी पी आर एक्सेट्रा इन वुड्स, इन वुड्स इफ वन इज आर एंड अदर इज आर वन, सो चांसेस ऑफ आर आर वन आर वन आर वन आर आर इन वुड्स रिएक्शन, बट हियर वी ओनली आर आर वन, वी फाइंड ओनली आर आर वन, सो यील्ड इज मच मोर हियर, मतलब कोरिया हाउस सिंथेसिस में, कहानी क्लियर लीजिए, क्या चाहिए जाना, बच्चे की जान लेंगे क्या आप, आगे देखें आगे देखें आगे आगे मतलब कॉन्सेप्ट को देखें। तो बेटा क्या ये आपका ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो देख लो नहीं तो फिर सॉल्व करते हैं, चलो एक बार आप पॉज करके ट्राई कर लो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, चलिए आपने कर लिया होगा आप ट्राई करते हैं इसको, देखिए क्या है बेटा, क्या ये पूरा आर एक्स है, देखो आर एक्स और ये एल आई है क्या, तो जब आर एक्स का रिएक्शन एल आई से कराते हैं तो बताओ क्या बनता है, क्या बनता है, क्या आर एल आई बनता है, वाह बिल्कुल, तो आर तो आपका सी एच थ्री होल्ड बाई सी एच है और एल आई, तो ये देखो सी एच थ्री होल्ड बाई सी एच एल आई आर एल आई बन गया, ओहो फिर इसका रिएक्शन हम कराते हैं सी यू एक्स के साथ, सी यू एक्स के साथ, तो क्या गिलिबन्स रिएजेंट बनता है, आर टू सी यू एल आई बनता है, जरा देखिएगा जनाब आर टू सी यू एल आई देखिएगा, तो गिलिबन्स सी यू एक्स है सी यू बी आर है और देखो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है, ये पूरा आर है, तो आर टू यानी इसका होल ट्वाइस
आर टू सी यू एल आई, तो इसमें इसका होल ट्वाइस दे दो, इसका होल ट्वाइस हो गया पूरा, इसका होल ट्वाइस देखो, उसके बाद क्या है सी यू एल आई, सी यू एल आई, अरे भाई साहब। इसके बाद आर वन एक्स, इसके बाद क्या है आर वन एक्स के साथ रिएक्शन, जब इसका आर वन एक्स के साथ रिएक्शन कराता है तो आर आर वन बन जाता है क्या, तो देखो इसका आर, ये आर है, ये आपका ये वाला आपका, ये आपका आर वन है, ये आपका आर है, ये दोनों को जोड़ दो तो सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच, और ये सी एच थ्री, सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच, और ये सी एच थ्री, ये प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज आर आर वन, जोड़ के बना लो। इसको ऐसे भी समझो, ट्रिक क्या है भैया, एल आई लिया, एल आई लिया था, सी यू एक्स लिया, सी यू बी आर लिया, फिर आपने सी एच थ्री बी आर लिया, सी एच थ्री बी आर लिया, तो ये इन सब से मिलके क्या बना बेटा, आपको बताओ गिलमंस रिएजेंट तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंच सकते, गिलमंस, या तो आप गिलमंस रिएजेंट बोल दो, ऐसे गिलमंस रिएजेंट क्या है, तो देखो यहां पर आपका ये आर है और ये आर डैश है, तो इसका गिलमंस रिएजेंट क्या होता है आर टू सी यू एल आई, तो आर टू क्या है आर, है ना, आर टू सी यू एल आई, आर ये आपका ये था, आर आपका ये, क्या करते हैं जनाब आर वन, और इसका आर ये है आपका ये वाला, क्लियर है बात बेटे, तो आर टू, आर टू मीन्स इसका होल ट्वाइस, तो देखो सी एच थ्री सी एच, क्या कर रहे हैं जनाब आप, इसको सही कर लें थोड़ा सा, आर टू सी एल आई मतलब आपका क्या बन जाएगा, ये आर वन है, ये आपका आर है, तो बन जाएगा आपका सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच का होल ट्वाइस, देखो यही तो आर है, आर टू सी यू एल आई, ये बन जाएगा आपका दिस वन, और देन प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है, आर आर वन बनाना है, तो ये आर है, ये आर वन है, आर क्या है सी एच थ्री होल ट्वाइस सी एच है, जरा देखो बाउंड बना लो, और ये आपका देखो आर, ये आर वन है सी एच थ्री, यहाँ पे एक सी एच थ्री लगा दो, देखो बन गया, बन गया कि नहीं बन गया बोलो बेटे, अरे बोले जनाब, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ये बनेगा, देखो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया ना, आर आर वन, तो इसको सही कर लो, यहाँ पे आ जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, क्लियर बेटे, चलो तो ये सही कर दें इसको हम पूरा, रुको नहीं तो आप बाद में कन्फ्यूज हो जाओगे, कन्फ्यूजिया जाओगे, क्या हो जाओगे कन्फ्यूजिया जाओगे फिर आप, तो देखिए हम आपको कन्फ्यूज होने नहीं देंगे इस बात की, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप कहानी तो समझ गए हैं, बोले ये वाला थोड़ा सा इसको सही करें, अब आपका कांड सही हो गया, कांड सही हो गया बेटे, अब तो ये आपका है आर, ये है आपका आर वन, ठीक, चल ये बन गया, ओके वेरी नाइस, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, तो भैया आप तो वही सारी कहानियां हैं, इन्जॉय करें, आर एक्स है, एल आई लिया, आर एल आई बन गया, एल आई एक्स बना, आर एल आई लिया, सी यू आई के साथ रिएक्ट किया, तो आर टू सी यू एल आई बन गया, एल आई आई अलग हो गया, डाई अल्काइल क्यूपरेट इसको बोलते हैं, गिलमंस रिएजेंट बोलते हैं, फिर इस गिलमंस रिएजेंट की रिएक्शन आर डैश एक्स से आर वन एक्स से कराया, ये कोई सा भी हो सकता है सी एस थ्री वन टू थ्री, बट ये क्या हो सकता है सी एस थ्री हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री डिग्री हो सकता है, ये आपका राइल हो सकता है, ये आपका विनाइल भी हो सकता है, ये आर डैश जब कराओगे तो आर आर डैश बन जाएगा, और ये प्रोडक्ट आ गया आपके सामने। चलिए एक क्वेश्चन और फटाक से निपटाइए, ये है और ये है, क्या सीधे प्रोडक्ट वा बनाया जाए इससे, गौर फरमाइएगा जनाब, क्या ये आपका गिलमंस रिएजेंट का ये जो पार्ट है क्या ये आर होता है, और क्या बेटा ये वाला पार्ट आपका आर डैश होता है, दिस इज आर वन एक्स, दिस इज आर वन एक्स एंड दिस इज आर एक्स, ये वाला आपका आर एक्स था ना, तो आर आर पार्ट बना लो, तो ये आपका आर, आर लिख रहा हूँ मैं सी एच थ्री सी एच टू, ये आपका आर, इसके साथ जोड़ो आप आर डैश को, आर डैश ये है, ये लीजिए जनाब, ये रहा आपका प्रोडक्ट। चलिए सिमिलरली इसका बनाया जाए, चलिए बनाए, तो ये आपका गिलमंस रिएजेंट में अंदर जो होता है वो आर होता है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका आर डैश है, तो आर आर डैश बनाए आप, तो अगर हमें आर आर डैश बनाना है तो देखिए ये पूरा आर सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू, ये देखिए आर आर डैश क्या ये है ज़रा देखो, यस दिस इज आर डैश, जोड़ दिया, जोड़ दिया ये आर और ये, तो भैया ये और ये देखिए मिल के बना दिया, ये और ये मिल के बना दिया ये, गजब भाई, तो बड़ा गर्दा चीज़ हो जाती है भाई, मज़ेदार चीज़ हो जाती है। तो हमने कोरिया हाउस को भी निपटा दिया, अब आप वुड्स और कोरिया हाउस में आप कंपेयर करके देखो एक बार, अब एग्जैक्टली आप देखो कि यहाँ पर जो यील्ड जो हमें चाहिए था प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकल जो हमें अल्केन चाहिए था मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा, देख लो कैसा भी बना लो, कैसा ही बना लो, अलग अलग आर आर डैश को प्लेस कर लो, जो कंडीशंस मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग, ध्यान रखो कि यहाँ वाला जो आर है ये कोई सा भी हो सकता है, बट ये वाला आर जीरो वन टू विनाइल अराइल हो सकता है, थ्री डिग्री नहीं होगा, थ्री डिग्री होगा तो अल्केन नहीं बनेगा, अल्काइन बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, कितनी बार बोल चुका हूँ, तो
तो ये बात आपको तगड़े से समझ में आ गई होगी, तगड़े से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भैया बहुत मजे किए मैंने आज इस लेक्चर में, और आपने भी बहुत मजे किए होंगे। तो मजे किए हैं तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर डालो। एंड आज के सेशन बेटा इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में बहुत बढ़िया। और ये देखो हाइड्रोकार्बन कितना तगड़ा और जबरदस्त तरीके से चल रहा है बेटे। टिल देन खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, राइट बेटे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, वाई नॉट डी।